ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिटर द बॉडी फ्री एज द सोल, हरे हरि बोल हरे हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा जय श्री हरि। वेलकम इन अफ्टरनून सत्संग। तो आज भगवान जी की कृपा से गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी आज हमारे साथ हैं, जिसके लिए हम निखिल जी का पहले हम वेलकम करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न्यू ईयर पर निखिल जी का आगमन हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। भगवान श्री हरि इसी तरह हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे और हम निखिल जी की गाइडेंस से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हर घर मंदिर हर मंदिर में कंट्रीब्यूट करते रहे। तो निखिल जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। हरी हरी बोल लीलू जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल हम सब के लिए खूब भक्ति लाए, जोश लाए, सत्संग साधना सेवा सदाचार का ग्राफ हमारा सबका ऊपर जाए, हम में से कोई भी लो फेज में ना आए, सभी लोग हाई फेज में आए और सभी लोग जो हैं आगे भी लोग डिवोटीज को हाई फेज में ले आए, राइट। ये जोश भरा रहे। सनील जी पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है आपकी वंडरफुल सेवाओं के लिए, शत शत नमन। और आपके माध्यम से सैकड़ों लोग बदल रहे हैं, आपके माध्यम से बदले हुए लोग भी आगे लोगों को बदल रहे हैं। सो बिग थैंक यू। गोलोक एक्सप्रेस आज जहां भी पहुंचा है उसमें आपने हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हमारा बीच में प्रयास रहता है कि हम गोलोक एक्सप्रेस में एक हमेशा एक वो फैमिली वाला माहौल बना रहे, गपशप चलती रहे, एक दूसरे से हालचाल पूछा जाए सब कैसा कर रहे हैं। और मैंने ये पाया कि जब थोड़ा सा ऐसे हम सब जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तब भी लो फेज नहीं आते, क्योंकि हम बात करते रहेंगे ना एक दूसरे के साथ। तो इंसान डाउन क्यों होता है, तामसिक गुण बढ़ता है ना, अकेला फील करता है वो और उसकी मन की बातें सुनता रहता है, बस वो मन की बातें। तो जब वो डिवोटीज के साथ रहे, थोड़ा इंटरेक्ट करता रहे, तो जोश भी बढ़ा हुआ रहता है और उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और एक डिवोटी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो प्रचार तो अपने आप बढ़ जाएगा और घर घर मंदिर हर मन मंदिर तो अपने आप ही हो जाएगा। सो आज का सेशन मुझे लगा आप सबके साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं 2021 की, क्या आपकी रिफ्लेक्शंस, क्या अचीवमेंट्स रही 2022 में, कौन सी ऐसी वीकनेस है जो 21 में आप नहीं कर पाए, जिसको आप और इम्प्रूव करना चाहते हो। सो नीलू जी आपको पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा चल रहा है आपका ये ग्रुप और 2021 में क्या आपने अचीव किया एज अ गोलोकियन, क्या स्ट्रगल किए और क्या आप इंप्रूव करना चाहते हो 2022 में। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं नीलू महाजन, चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अक्टूबर 2017 में मेरी फ्रेंड रजनी महाजन जो चंबा से, उनके माध्यम से मैं जुड़ी थी। और भगवान जी की कृपा से उस समय मेरा कुछ लो फेस था, काफी कंफ्यूज सिचुएशन में थी मैं, और गोलोक एक्सप्रेस का उन समय मुझे साथ मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस और मेरी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देने वाला था। तो 2018 से भगवान की कृपा से मैं सेवा कर रही हूँ, प्रचारक ग्रुप में हूँ और मुझे 3 साल हो गए हैं भगवत गीता रीड करवाते हुए। तो ये जो पिछला साल गया है ये 21, इसमें मैंने बहुत सारी अपनी असेसमेंट की है। कुछ मेरी वीकनेसेस मुझे नजर आई हैं, भगवान की कृपा से बहुत जगह मुझे स्ट्रेंथ भी मिली है। और सबसे बड़ी बात पहले तो मैं ये शेयर करूंगी कि मैं जो नहीं कर पाई पिछले साल, देखिए जब ये 21 शुरू हुआ था उस समय मैंने रेजोल्यूशन तो कोई नहीं लिया था, बस मैं यही भगवान से प्रे करती थी, प्रभु हर मन मंदिर हर घर मंदिर में मैं खूब जोरों शोरों से कंट्रीब्यूट करूं, मेरे से भगवान आप खूब सेवा ले, मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, मुझे मटीरियली कुछ भी प्रलोभन नहीं चाहिए। बट भगवान की कृपा से मेरी लाइफ में 21 में बहुत सारे प्रलोभन आए, माया के ट्रैप आए। बट जो मैंने पिछले 3 सालों में सीखा था उससे मैं असेसमेंट कर पाई कि मैं कहाँ पर अभी लाइव करती हूँ।
कि मेरे अंदर अभी कितनी कमियां हैं जिनको मैंने अभी इम्प्रूव करना है। देखिए, जब जनवरी स्टार्ट हुआ था उसी समय मेरी लाइफ में हेल्थ इशू आए और भगवान जी मेरे अनसंग थे, गोलोक एक्सप्रेस का साथ और मोटिवेशन से मैं उस टफ समय को पार कर पाई। और डिवाइन एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो जो मुझे फिजिकली आउटकम आ रहे थे, डिसीज शो हो रहे थे, वो उसका एट लास्ट नामोनिशान ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर इन चीजों से बाहर आई। उसके बाद बड़े सारे प्रलोभन आए जिसकी वजह से मेरे सत्संग भी छूटे, नो डाउट। बट सत्संग में बहुत सारे ऐसे डिवोटी थे जिन्होंने सत्संग को रेगुलरिटी के साथ चलाए रखा, जिसमें से ज्योति धवन जी, पुनीता मल्होत्रा जी, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने, दीपिका जी, टीना जी, बड़े सारे डिवोटीज ने सत्संग को बड़ी कंटिन्यूटी के साथ चलाया। बट भगवान जी से मैं प्रेयर करती रहती थी, मेरे अंदर तड़प थी। और ये चीज मैंने देखी कि मुझे ये पता चला, जो मेनली आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि मुझे ये पता चला कि भगवान के साथ जुड़कर जो आनंद है वो माया के प्रलोभन जो हमें भगवान जी दिखाते उसमें आनंद नहीं है। बहुत सारे प्रलोभन आए और मैंने यही कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तो बहुत अशांति है, मुझे ये शांति भरा जीवन नहीं चाहिए। तो मैंने नो डाउट प्रलोभन आए, मैं उसमें चकाचौंध भी हुई। बट जब हम कहते हैं ना, धक्के बढ़ते हैं, कुछ चुभन आती है, पोक पोक होता है, तो फिर हम वापिस भगवान के द्वार आते हैं। बट इतना है कि गोलोक एक्सप्रेस की कृपा से मुझे असेसमेंट करने का मौका मिला कि क्या चीज मेरे लिए ठीक है, क्या चीज मेरे लिए गलत है। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही है 21 की, कि जिसमें मुझे पता चला है कि गोलोक एक्सप्रेस जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जुड़कर ही हमें शांति की अनुभूति होती है। और दुनिया का कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मटेरियली जितने मर्जी हम सक्सेसफुल हो जाएं, बट जो आनंद है वो भगवान के साथ जुड़कर मिलता है, और उससे बड़ा आनंद जब हम सेवा करते हैं उसमें मिलता है। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मैं इस 21 में अचीव कर पाई हूँ भगवान की कृपा से, 3-4 साल से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, बट यूट्यूब पर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए मैं बहुत हेसिटेट कर रही थी, मन में डर भी था। मेरे मेंटर निखिल जी, नितिन दिया जी, जिनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी कृपा से आज मैं आप सबके साथ यहाँ पर बैठी हूँ। और प्रीति जी, उनकी मोटिवेशन से और उनकी ब्लेसिंग से, प्रेयर से मैं यूट्यूब पर 2 वीडियो बना पाई। यूट्यूब पर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था, जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया, बट नो डाउट उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा। यूट्यूब पर वीडियो बनाने से कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि जो मैं सत्संग लीड कर रही थी उसमें भी मुझे वीडियो कॉल ऑन करके सत्संग करवाने में बहुत ज्यादा मदद मिली, कि मुझे अब टफ नहीं लगता है वीडियो कॉल पर आकर सत्संग करवाना और डिवोटीज के साथ फेस टू फेस बात करना। पॉडकास्ट पर भी मैंने 3 पॉडकास्ट वेल किए, स्पिरिचुअल जर्नी के, हिंदी का, पंजाबी का और एक भजन। और भजन गाना मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ, डिवाइन एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भजन गा ही नहीं पाती हूँ। जब भी मैं भजन बोलना शुरू करती हूँ तो अश्रुधारा निकल आती है, मुख कांपने लगता है, आवाज कांपने लग पड़ती है। बट भगवान जी को प्रे की और मैंने एक भजन का पॉडकास्ट भी बनाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी जो मैं ये कर पाई। और इससे बड़ी जो ब्लेसिंग्स है वो है नाम जप। देखिए, जब मैं नाम जप, मैंने नामदान लिया था, मेरे लिए एक माला करना बहुत टफ था। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर 16-20 माला तक मैं कर लेती थी, बट वो गुरु मंत्र की माला करती थी। लास्ट ईयर स्टार्टिंग में मैंने 1 माला की कमिटमेंट की थी, बट कार्तिक मास आने से, और वैसे भी जो पूरा साल था मेरा माला जब बहुत बड़ा, बहुत बार 100 तक मैं पहुंची थी, बट ये जो कार्तिक मास था मैंने 200 भी क्रॉस किया भगवान की कृपा से। 203 एटलीस्ट हाईएस्ट मेरी माला रही, और तब से मेरी माला का ग्राफ बहुत हाई जा रहा है। और मैंने ये देखा है कि जब हम नाम जप करते हैं ना, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है। बहुत सारी डिफिकल्टी आई, जो सबसे बड़ा हम कहते हैं दुख, जिसको हम फेस करते हैं और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो होता है कि जब कोई हमारा क्लोज वन हमें छोड़कर जाता है, उस समय हमें बहुत ज्यादा दुख लगता है। उन हालातों में मैंने देखा कि नाम जप ने मेरी बड़ी हेल्प की। कार्तिक मास में मैंने 64 माला का कमिटमेंट की थी और मेरी 200 तक माला चली गई थी, और कार्तिक मास खत्म होने के थोड़े दिन बाद ही मेरे किसी क्लोज वन की डेथ हो गई। और उस डेथ को मैंने ये देखा कि जब मैं नाम जप नहीं करती थी तो मेरे हालात कैसे हो जाते थे।
कि मैं इतनी ज्यादा डाउन फेज में लो फेज में चली जाती थी, बट इस बार नो डाउट लो फेज आया डाउन फेज आया, बट उसको मैंने नाम जब से बहुत आसानी से अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ फेस किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सबको भी रेगुलरिटी के साथ सत्संग साधना सेवा सदाचार करते रहिए। बीच में आएंगी बहुत सारी डिफिकल्टीज, बट अगर हमारी प्योर इंटेंशंस प्योर हैं तो भगवान जी हमारी जरूर सुनते हैं, हमें दोबारा ट्रैक पर लेके आते हैं। और 2022 के लिए मैं भगवान जी से यही प्रे करूंगी, मेरी रेजोल्यूशन यही रहेगी कि भगवान जी हर घर मंदिर हर मन मंदिर के लिए मुझे खूब सारी सेवाएं दे और मुझे माध्यम बनाए ताकि मैं और बढ़ चढ़ कर गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर खूब सेवा करूं और नाम जप मेरा इतना बढ़े कि जैसे मैं ये कहूंगी कि मेरी कमिटमेंट यही रहेगी जितनी मेरी एज है 45 ईयर उतनी माला मैं रोज के कर पाऊं, यही मेरी भगवान से प्रे है। और कमिटमेंट रेजोल्यूशन भी यही रहेगी मेरी कि भगवान जी प्लीज मुझे हिम्मत देना और शक्ति देना, क्योंकि मेरे में तो कोई समर्थन नहीं है, आपकी कृपा के बगैर तो मैं आपका नाम भी मुख से नहीं ले पाऊंगी, बट अगर आप कृपा करोगे तो ये 45 माला डेली की कमिटमेंट मैं आपके सामने करना चाहूंगी। और साथ में जो मेरी वीडियोस रह गई हैं, एक लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता और एक चैंटिंग की, वो मैं YouTube वीडियो भी बनाऊंगी और पॉडकास्ट के लिए भी उसको जरूर करना चाहूंगी। और एक और कमिटमेंट ये भी लेना चाहूंगी कि भगवान जी कमिटमेंट तो नहीं, ये सिर्फ भगवान जी से मेरी प्रेयर है कि प्रभु ये जो मैं सेवा करती हूँ, जो आप भगवत गीता में कहते हो कि मैं उनको शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ जो मेरा ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है, प्लीज भगवान जी जैसे मर्जी हालात हो चाहे फेवरेबल चाहे अनफेवरेबल, मेरे से ये सेवा एक दिन भी ना छीने, वो सेवा मेरे से रेगुलरिटी के साथ लेते रहे, ये मेरी भगवान जी से प्रे है। और आप सब भक्तों का मुझे साथ चाहिए, आप मेरे लिए ये प्रे करें कि ये मेरे से सेवा बिल्कुल ना छीने, कि मैं माध्यम बनूं और दूसरों के हृदय में प्रेमा भक्ति और प्रभु की सेवा का जो है उनके अंदर मैं दीपक जागृत करूं। मैं इतना कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीलू जी, ऐसा जोश आपका बरकरार रहे, और पहले भी आप अच्छी प्यारी तरह से सेवाएं कर रहे थे और जोश अब आपका बढ़ रहा है। आई एम श्योर इस साल आप खूब सेवा करोगे, बहुत सारे लोगों के लिए माध्यम बनोगे, जोश से ही आपकी हरी नाम भी बढ़ता जाए, 45 माला आपने सोची है वो भी हो जाए, आप टेक्नोलॉजी के फ्रंट में भी आगे बढ़ो और गोलक एक्सप्रेस में आप सीनियर टीम को मैनेजमेंट में बहुत सपोर्ट की रोल है, बिकॉज एक सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि ये जो डिवोटीज जुड़ते हैं इतना बड़ा एक नेटवर्क होता है, उनको कैसे उनसे बात करते रहना ताकि वो लो फेजेस में ना जाए, उनको ट्रैक पे रखना, वो भटक जाते हैं डिवोटीज बहुत ज्यादा, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल है जो स्पेशली डिवोटीज सीनियर हो गए आप, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को लेके डिवोटीज बड़ी जल्दी मतलब डेलिकेट होते हैं लोग, ना हल्का सा थपेड़े पड़ते हैं संसार के, सारा ज्ञान भूल जाते हैं, सारा ज्ञान डस्टबिन में फिर वही पहुंच जाएंगे, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, मिलो फिर, तो वो उनके साथ उनको मोटिवेट रखना, टास्क आपकी टीम हो गई, आप तो टीम को मोटिवेट रखने के लिए टास्क डेलीगेट करते रहना और आगे आप बड़े मिलजुल के बढ़ते रहिए, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है गोलोक एक्सप्रेस का। थैंक यू नीलू जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अब किसको सुनना चाहेंगे आप नेक्स्ट? हाँ जी, हम सोनम धवन जी अमृतसर से उनके पास चलते हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, उन्होंने फर्स्ट वॉलंटियर किया था। हरी बोल सोनम जी। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। आपकी कंट्रीब्यूशंस के लिए भी हम आपके आभारी रहेंगे। आपका कैसा रहा 2021? कृष्णा फ्रेंड्स, मैं सोनम धवन अमृतसर से, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नीलू महाजन जी के माध्यम से 2018 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस एक बहुत ही डिवोशनल ग्रुप है जिसमें हमें भगवत गीता रामायण लाइफ के फंडे जो हमारे डेली लाइफ के साथ रिलेटेड है वो सब हमें पढ़ने को सुनने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, जिससे बहुत सारी पॉजिटिविटी आई मेरी लाइफ में। मैं एक हाई डिप्रेशन की पेशेंट थी, मतलब बहुत ज्यादा मैं हाई डिप्रेशन में थी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद जब मैंने भागवत गीता की रीडिंग करना शुरू की तो बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव मेरी लाइफ में आए। मैंने फील किया कि मैं हर समय ओवरथिंकिंग करती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे, वो मेरे अंदर काफी चेंजेस आए, पॉजिटिविटी आई, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस का एक पार्ट हूँ। गोलोक एक्सप्रेस सच में इसका जितना मैं इसकी जितनी अप्रिसिएशन करूँ उतनी ही कम है। तो गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद मैंने फील किया कि मैंने अपनी डिवोशनल ग्रोथ भी मैंने महसूस की। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो तब मैंने फोर पिलर्स मॉडल इसमें सुना, 4S मॉडल, सत्संग साधना सेवा सदाचार। तो मुझे
पता चला कि जब हम इस पे वर्क करते हैं, मतलब सत्संग साधना सेवा को अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने डिवोशनल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट की, पहले मैंने सत्संग, रेगुलर सत्संग अटेंड करना शुरू किया, फिर मैंने साधना करना शुरू किया, साधना में मैंने एकादशी का फास्ट करना शुरू किया, माला जाप करना शुरू किया, सेवा जहां 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 मुझे सेवा का अवसर मिला मैंने सेवा करना स्टार्ट किया। तो मेरे लाइफ में बहुत ही प्यारे प्यारे चेंजेस आए, जो मेरी ओवर थिंकिंग की आदत थी, नेगेटिव थॉट्स है, वो सारे धीरे धीरे खत्म होते गए। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ गोलोक एक्सप्रेस का। और मैं बताना चाहती हूँ कि 2021 जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, मैं एक सत्संग, अपना सेपरेट एक सत्संग लीड करती थी, जिसमें मैं रेगुलरली रही भगवान की कृपा से। जब भी मुझे कभी लो फेस आता था, तो मुझे अपने सत्संग से मतलब एक स्ट्रेंथ फील होती थी। तो मैं जब जैसे जैसे मैं सत्संग करवाती थी, तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ मिलती थी भगवान की कृपा से। मैं बहुत रेगुलरिटी से सत्संग को लीड कर पाई हूँ। और अब हमारा जो सत्संग है, ज्वाइंट सत्संग है, इसमें भी भगवान की कृपा से मैं अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कर पा रही हूँ। और साधना की अगर मैं बात करूं, तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मैंने साधना करना सीखा। मैंने कभी भी माला जाप नहीं किया था। तो वैसे तो मैं 16 माला रेगुलर करती थी। तो जैसे नया साल आया, तो मुझे लगा कि कुछ नया साल है तो कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने 1 जनवरी से 51 माला करनी स्टार्ट की। तो अब आज जैसे 6 जनवरी है, मैं रेगुलर कर पा रही हूँ हरि कृपा से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि एक मतलब छोटे छोटे बच्चे ज्वाइंट फैमिली में इतना टाइम निकाल पाना, ये प्रभु की कृपा ही है। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की कृपा ही है कि मैं कर पा रही हूँ। जब कोई टाइम था कि जब मुझे एक माला करना ही बड़ा मुश्किल लगता था, और आज मैं 51 माला डेली कर पा रही हूँ। तो ये भगवान की विशेष कृपा ही है। और 2021 में मेरे पॉडकास्ट पर स्पिरिचुअल जर्नी पंजाबी का, स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी का, भगवद गीता को कैसे समझे 2 भजन, और लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता की ये ऑडियो रिलीज हुई है। और अब तक मैं कोई वीडियो मतलब नहीं बना पाई हूँ। तो मैं यही भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अब वीडियो की भी मैं सेवा कर पाऊँ। तो आप भी मेरे लिए प्रेयर जरूर करिएगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ, यूट्यूब पर मैं भी आना चाहती हूँ, मुझे भी मैं भी ये सेवा करना चाहती हूँ। तो बाकी सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सच में बहुत ज्यादा शक्ति है भक्ति में। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। वो इंसान जो सोसाइटिकल थॉट्स में था, जो जो ऐसे सोचता था, वो इंसान आज दूसरों को गाइड कर रहा है, दूसरों को मोटिवेट कर रहा है। तो सच में मैं कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अपने सत्संग सेवा साधना को बढ़ाइए। तो देखिए, आप सदाचार आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी गलतियां नजर आना शुरू होंगी, फिर उसमें आप इम्प्रूवमेंट करना शुरू करोगे। धीरे धीरे आप एक सच में आप एक परफेक्ट इंसान बन सकते हो। तो इस तरह मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना भगवान जी। मैं और सत्संग सेवा साधना को अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं और बढ़ा सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि भक्ति की शक्ति बहुत है, और सत्संग साधना सेवा को बढ़ाइए, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को फील करिए। लास्ट में मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी बोल सोनम जी, आपको देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा। 2021 आपके लिए पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव ये गया है, और आप बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो, उसके लिए आपका भी आभार। ऐसे ही हम मिलजुल के चलेंगे ना। देखिए, सबको लगता है हम थोड़ा सा कर रहे हैं, बट पॉइंट ये कि जब सैकड़ों लोग और हजारों लोग थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बूंद बूंद से सागर बन जाता है ना। सब लोग करते रहिए कॉन्ट्रीब्यूट, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप एक बहुत बड़े महायज्ञ में एक बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले कर पा रहे हो। इस साल आप माला भी स्टार्ट में इतनी अच्छी कर पाए हो, हरिनाम खूब हो रहा है। इस ग्रुप में भी आप रेगुलरिटी से सपोर्ट कर रहे हो,
YouTube के वीडियोस आई एम नॉट श्योर इतना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को, बट बहुत ही दुनिया का आसान काम है वो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप एक उससे शुरू हो जाइए, डिवोटीज बना रहे हैं, किसी ने 10 बना दिए, 20 बना दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राईपॉड लीजिए, एक फास्फेट कीजिए, नेचुरल स्पीकर, जो लोग आप लोग स्पेशली जो लोग सत्संग लीड कर चुके हैं उनको तो इतनी बात करने की आदत पड़ चुकी है, तो वीडियोस तो बहुत ही आसान है कि वीडियो में एडिटिंग हो जाती है, पार्ट्स भी हो सकते हैं, और आपने पहले से प्रिपेयर भी किया होता है। जब सत्संग लीड करते हो 35-40 मिनट्स बात करनी होती है एटलीस्ट, है ना। ये तो वहां से शुरुआत कीजिए आप, और कोशिश कीजिए जनवरी के अंदर अंदर ही आपने एक कर लेना है, एक शुरुआत कीजिए। मेरा नाम जाप का अनुभव छोटा वाला होता है वो, 4 से 6 मिनट का नाम जाप का अनुभव बना लीजिए, फिर लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता। आपने एक बनाया हुआ था शायद, एक भी नहीं बनाया आपने अभी तक, नहीं? अच्छा, मुझे कहीं दिखा लगा आपका वीडियो बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, मैं प्रेयर्स करूंगा, आपका बन जाएगा और थैंक आगे आप यू। बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट सनम जी, हैप्पी न्यू ईयर, इस साल आप और जोरों शोरों से आगे बढ़ सको। थैंक यू, हरी हरी बोल। नीरू जी, हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। पुनीता मल्होत्रा जी हमारे साथ दीनानगर से। हरी हरी बोल पुनीता जी। हरी हरी बोल। पुनीता जी, हैप्पी न्यू ईयर टू हरी हरी बोल। यू एंड फैमिली, थैंक कैसे यू। हैं आप? बस बढ़िया। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पुनीता दीनानगर से, और मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपनी दोस्त नीलू महाजन, जो कि हमारे मेंटर भी हैं, इन्हीं के माध्यम से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना मेरा एक बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। तो 2021 में जो गया है उसमें क्या मेरी ब्लेसिंग्स रही वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, और 2022 में क्या मैं जो है जो 2021 में नहीं कर पाई उसको क्या करना चाहूंगी, उसके लिए भी आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स जो है वो चाहिए मुझे। तो 2021 जो है वो ब्लेसिंग से भरा ईयर जो है वो मेरे लिए रहा है, क्योंकि 2021 में अगर मैं कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग देखूं तो बहुत कुछ मैंने जो है वो अचीव किया, क्योंकि हेल्थ को लेकर भी मुझे बहुत सारे इश्यूज थे जिसको मैंने कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल के माध्यम से स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करके ये सारे जो है अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी जिसको मैंने ये मुझे समझ आया कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है और कैसे मैंने इन चीजों को अप्लाई करके मैनेजमेंट टाइम की कैसे करनी है, कैसे मैंने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है कि अगर मुझे डिवोशन में आगे बढ़ना है, अगर मुझे भक्ति करनी है तो इन सब चीजों को, इसके लिए मेरी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी जो है अच्छी रहनी चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ पे बहुत वर्क किया मैंने और बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी ब्लेसिंग को फील किया मैंने कि अब जो मैं अपने आप को बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव जो है वो फील करती हूँ। और उसके बाद अगर मैं सत्संग साधना सेवा की बात करूँ तो उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स फील होती हैं मुझे कि मेरा जो सत्संग है वो चला, बट हुआ मिस थोड़ा बहुत, जैसे बहुत कोई इमरजेंसीज हैं उसके साथ, नहीं तो जो है वो मैं रेगुलरिटी से ही चली हूँ 2021 में भी। और उसके बाद साधना जो है उसमें भी मेरी इम्प्रूवमेंट ही रही। कार्तिक मास के अंदर अगर मैं देखूं तो काफी मैंने अपने आप को स्ट्रेंथन फील किया। जो निखिल जी आप मोटिवेशन देते हो हमें, उसके साथ बहुत ज्यादा हमें जो है वो ब्लेसिंग फील होती है और हम आगे बढ़ने में जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। तो साधना में भी जो है वो मैं अपने गुरु मंत्र के साथ साथ जो हरि नाम की मालाएं हैं वो कर पाई, और कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दीपदान करना, सुबह जल्दी उठना तो शायद मुझे लगता था कि जीवन में कभी मैं कर ना पाऊं, बट जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तब से मैंने जो है वो सुबह जल्दी उठने का बहुत अच्छा मेरा जो है वो सिस्टम बन चुका है, और बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि सुबह उठकर एटलीस्ट भगवान का नाम जो है वो ले पाती हूँ। अगर सेवा की बात करूँ तो कुछ कुछ कमियां मुझे लगती हैं सेवा के अंदर जो मैं नहीं कर पाई हूँ बहुत सारी, जैसे गोलोक एक्सप्रेस का हर मन मंदिर, हर घर मंदिर का जो कंसेप्ट है उसमें सेवाएं बहुत, मतलब जितनी करना चाहते हैं वो भी मुझे लगता नहीं है कि वो कर पा रहे हैं। बहुत सारी कमियां जो हैं वो फील होती हैं अपने अंदर, क्योंकि अगर मैं देखूं तो पॉडकास्ट तो मैंने एक हिंदी का स्पिरिचुअल जर्नी का बनाया, उसके बाद पंजाबी का मैंने भेजा हुआ है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ, और वीडियोस की बात करूं तो वीडियो मैं एक भी नहीं बना पाई हूँ, जो पिछले साल में मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी बट मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो ये 2022 में आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं इसमें भी सक्सेसफुल हो पाऊं। बाकी 2021 में जो है एक और बहुत अच्छी ब्लेसिंग मैंने फील की वो धाम यात्रा की।
जो रामेश्वरम धाम की यात्रा हमने की, वहां पर जाकर गोलोक एक्सप्रेस के हर मन मंदिर हर घर मंदिर के लिए भी मैंने प्रार्थनाएं की कि प्रभु इसको पूरी तरह से आप जो है वो सफलता प्रदान करना, अपनी जो ब्लेसिंग्स है हर समय गोलोक एक्सप्रेस पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए रखना। और कुछ अगर मैं कहूँ कि 2021 में कुछ थोड़ा सा फेस ऐसा भी आया जिसमें थोड़ा डिस्टर्ब रही मैं, बट उसमें भी भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग मैंने फील की कि कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे जिसको लेकर बहुत परेशान रही, बट लोगों ने बहुत डराया, बहुत कुछ बातें हुई, बट उसको भी इतना स्ट्रेंथन फील किया मैंने, और सिर्फ इसी वजह से कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई थी मैं। अगर ना जुड़ी हुई होती तो शायद उस टाइम को भी फेस करना मेरे लिए जो है वो मुश्किल होता, टफ लगता मुझे। तो इस तरह से जो 2021 है बहुत भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ जो है वो बहुत अच्छा गया मेरा। और 2022 में मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो जो मेरी सेवाएं हैं, जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनको मैं कर पाऊँ, मेरी सत्संग साधना सेवा जो है वो और बढ़े, और गोलोक एक्सप्रेस के हर मन मंदिर हर घर मंदिर में हम भी बढ़ चढ़ कर जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अरे अरे बोल, थैंक यू सो मच पुनीता जी, आप वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन आप दे रहे हो। ये डिवोटीज को हमेशा ये जरूर फील होना चाहिए कि वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे बेटर करें, ये भाव हमेशा ही रहना चाहिए, राइट? तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आप धाम यात्रा भी कर पाए पिछले साल, आपका हरिनाम भी बढ़ रहा है, ठीक है, और आप बेसिकली इस साल वीडियोज बनाना चाहते हो। पिछले साल आपने किया था प्रयास, पर नहीं हुआ आपसे। देखो उसका एक कारण क्या होता है ना, हम अपने आपको डेडलाइंस नहीं देते। अगर आप डेडलाइन दो ना अपने आपको कि मुझे ये चीज, क्योंकि मन जिस चीज को करने से डरता है ना, वो मन क्या करेगा, वो लटकाता रहेगा उसको। जैसे अगर एक बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छा ना लगता हो तो वो क्या करेगा, पढ़ेगा वो जाके, या वो धीरे धीरे उसको पीछे पुश करता रहेगा, पीछे नहीं पुश करता रहेगा वो, उसी तरह से चलता है मन, है ना? तो आप लोग अपने आपको डेडलाइंस दिया करो कि ये चीज मैंने इस दिन तक खत्म कर देनी है। रियलिस्टिक डेडलाइन, जैसे जनवरी एंड रख लो अपने लिए। आप भी नाम जाप से स्टार्ट करो, नाम जाप या लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता से स्टार्ट करो, बना लोगे आप, ऑडियोज अप्रूव करवा लो, अपने बेटे से हेल्प ले लो, बेटी से हेल्प ले लो, या घर में ट्राईपॉड लेके कोशिश करो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है ना, कर सकते हो आप। बहुत सारे डिवोटीज कर रहे हैं, आप भी कर लोगे, हम प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, और आपका जोश बढ़े। क्योंकि देखिए, इट्स नॉट अबाउट अ वीडियो, इट्स अबाउट हमें अपने अंदर की डर को जीतना है ना, और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ साथ में कितने सारे लोगों की हेल्प भी हो जाती है। तो इस साल आपको और आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी फ्रंट में भी, और अलग अलग सेवाओं में आप आगे बढ़े, खूब हरिनाम करें, और नीलू जी को बिल्कुल सपोर्ट करें यहाँ पे। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, हरी हरी बोल जी। साथ साथ में फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखें सभी डिवोटीज, यू नो, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं, ज्योति धवन जी हैं दीनानगर से। हरी हरी बोल ज्योति जी। हरी हरी बोल, मैं ज्योति धवन दीनानगर से। मैं दिसंबर 2019 में अंजलि महाजन जी के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। तो फ्रेंड्स, मैं जब से गोलोक से जुड़ी हूँ तब के समय में और अब के समय में बहुत सा अंतर आ चुका है। एक डरा हुआ, सहमा हुआ जो मेरी आत्मा थी, वो दो रथों की तुलना जिस तरह से दूसरे रथ में कितना सक्सेसफुल हो जाते हैं अर्जुन, वहां तक पहुंचने में मुझे लगता है कि मैं वो सफर तय कर पाऊंगी। और कितनी सारी बुराइयां आप खुद की मुझे नजर आती हैं, बहुत कुछ फील करती हूँ, और इतना जोश कभी आ जाता है कि बहुत कुछ कर जाने को दिल करता है, कि प्रभु के सामने क्या मांगना है, कैसे मांगना है, सब समझ में आ चुका है। 2021 मटेरियल लेवल पे सोचा जाए तो बहुत सारे बुरे हालात आए जीवन में, फिजिकली और मेंटली बहुत कुछ फेस किया, लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से इसको कनेक्ट करूं तो बहुत ज्यादा उछाल आया, बहुत ही ज्यादा भक्ति की बाढ़ आई, कृष्णा की बहुत कृपा हुई। तो कृष्णा की कृपा से या फिर गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद कार्तिक मास को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, भीष्म पंचम के व्रत करना, धाम यात्रा करना, वहां पे संत दर्शन होना, ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं थे। और इतना आनंद आया उस समय कि वाकई हमने फील किया कि पहले भी हम एक दो बार कार्तिक मास में ही थे वृंदावन, पर कभी इतना ध्यान नहीं किया था कि इस समय पे इतना रश क्यों होता है यहाँ पे, इतना हमें डीपली नहीं मीनिंग पता था इसका। लेकिन अब जब गोलोक एक्सप्रेस इस बारे में समझा, भीष्म
और कार्तिक मास का पूरा व्रत लिया, वैसे भीष्म पंचक में अन्न त्याग किया 5 दिन, तो और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, अपनी माला भड़ाई और सारा दिन ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़े रहना, कथाएं सुनना या फिर भजन गुनगुनाना, बोलना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। डेली एक्टिविटीज में ये चीज सब ऐड हो ही चुकी है, तो जो कुछ नहीं हो पा रहा ना अब तक, वो था कि मैं अभी भी ना कोई भी एक्टिविटी करती हूँ तो मैं ये नहीं सोच पाती कि ये मैं कृष्णा के लिए कर रही हूँ। इसमें मेरे में बहुत बड़ी कमी है और मुझे रियलाइज भी होती है कि मेरे को यहाँ तक पहुंचने में प्रभु कितना समय लगेगा, कितना समय और लगेगा कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। प्रभु हर कर्म मैं जो कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ, यहाँ तक नहीं हो पा रहा मेरे से, मुझे इसके लिए बहुत गिल्ट फील होता है। तो मैंने 2021 में प्रभु जी की कृपा से पॉडकास्ट बनाए, हिंदी में स्पिरिचुअल जर्नी का, पंजाबी में स्पिरिचुअल जर्नी का, और बेटी प्रिशा के साथ भजन पॉडकास्ट भी सक्सेसफुल रहा। और अब 21 के रेजोल्यूशन में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मेरी साधना इतनी परिपक्व हो जाए कि मुझे हर कर्म में प्रभु नजर आने शुरू हो जाए। मैं वो वहां तक, उस लेवल तक पहुंचना चाहती हूँ प्रभु, कि कोई 2-4% तक भी नहीं कर पा रही। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अपने आप को शेम फील करती हूँ कि प्रभु कितना समय लगाना है, और मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ। तो मेरे को अपनी साधना में परिपक्वता लानी है, अंदर के भाव प्रभु के साथ जोड़ने का मेरा इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ, ताकि मैं हर कर्म प्रभु की खुशी के लिए करूँ, ये अंदर तक मेरे पहुंच पाए। और अपनी माला में कुछ ज्यादा तो नहीं, बिकॉज मेरे को लगता है कि काफी टाइम मेरा इसी में जाता है, और मैं और जाना डेडिकेशन के साथ करना चाहती हूँ। और धाम यात्रा, भगवान श्री हरि किशोरी जी वृंदावन धाम के दरवाजे खोले रखे, और हम बार बार वृंदावन धाम जाएं, और 21 में उनसे ये भी प्रेयर्स करती हूँ कि जितना जीवन बचा है अब बार बार आपके चरणों का आशीर्वाद और आश्रय हमें मिलता ही रहे। तो मैं पॉडकास्ट अपनी भगवद्गीता से लर्निंग्स और नाम जाप का अनुभव ये भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ज्योति जी आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही आगे और अच्छा करते रहो, एज अ होल फैमिली आप ग्रो कर रहे हो, यही गोलोक एक्सप्रेस का सपना है, ऐसे ही आपने आगे मिलजुल के बढ़ते रहे हम सब, और जो चीजें आप नहीं कर पाए हो वो भी आप कर पाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच, हरि बोल। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, रूपाली शर्मा जी हैं अमृतसर से। हरि हरि बोल रूपाली जी। हरि बोल रूपाली जी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल निखिल भैया, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं सत्संग से 2019 में जुलाई में जुड़ी, और मुझे मेरी फ्रेंड ज्योति धवन जी के थ्रू मैं जुड़ी, और उन्होंने मुझे सत्संग ज्वाइन करवाया, और मुझे सत्संग ज्वाइन कर बहुत अच्छा फील हुआ। कि पहले जैसे सोचते ही रहना, जो टीवी है उसमें भी सीरियल वगैरह लगा लेने, और फोन में यूट्यूब वगैरह की जो भी फालतू की एक्टिविटी थी सारी करते थे। तो सत्संग के बाद जुड़ने से धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग ज्वाइन किया तो इंटरेस्ट आने लगा, और क्योंकि भगवद गीता तो हमारे यहाँ पर भी सत्संग होते थे तो हम सुनने जाते थे, काफी सत्संग मैं सुनती थी। तो मुझे बस ये अंदर से खुशी थी कि मुझे सत्संग जो है घर बैठे ही मिल रहा है, कि अब मुझे ज्यादा मंदिर अगर मुझसे नहीं भी जाया जाएगा तो मुझे अंदर से ये नहीं होगा कि मैंने भगवद गीता का पाठ नहीं सुना। तो सत्संग मुझे रेगुलर लगाने का बस यही मन में खींच होती है कि सत्संग का टाइम हो गया है, मैंने अपने जो भी काम है वो टाइम से कर लेने हैं और सत्संग ज्वाइन करना है। तो मैंने सत्संग जो है मुझे जो 12 बजे का नीलू दी का सत्संग है ये वाला, तो इसमें ही मुझे आनंद आता है और मैं इसे सुनती हूँ, और जो भी सुनती हूँ मेरे अंदर की काफी जो नेगेटिविटी है कम होती जा रही है। और जैसे कि जब मैं सत्संग से नहीं जुड़ी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि सारा दिन हमें प्रभु जी का नाम लेना चाहिए, प्रभु जी का कोई भी काम करते हुए प्रभु जी का नाम सिमरन करना चाहिए। ये जो एक्टिविटी ये सब मुझे सत्संग के द्वारा ही पता चला है कि हमें प्रभु जी का नाम लेते हुए सत्संग करना चाहिए,
और कोई भी कार्य करें हमें प्रभु जी को ही जो है पहले ही कहना चाहिए, प्रभु जी मैं ये कार्य करने लगी हूँ और आप देख लेना। तो मुझे ये जो सब है ये सत्संग के द्वारा ही पता चला है, और मैं गोलोक धाम का जो है गोलोक एक्सप्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर बैठे ही सत्संग सुन सकते हैं। और सत्संग के सुनने के बाद मैंने एकादशी के फास्ट रखे, माला करनी स्टार्ट की, और जब भी खाना खाते हैं तब कई बार भोग लगाते हैं और कई बार अगर नहीं लगाया जाता तो प्रभु जी का नाम लेते हैं कि प्रभु जी आप इसमें से जो भी खाना है खा सकते हो, भोग लगा सकते हो, आपका ही दिया खा रहे हैं। तो मन में ऐसे भाव जो है ये सत्संग के द्वारा ही हमारे जो है आने लगे हैं। तो बाकी हमें बस सत्संग से यही लर्निंग मिलती है कि हमें अपना जीवन अच्छी तरह जो है अच्छा व्यवहार रखना है, हमें प्रभु से प्रेम करना है, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं आगे जैसे हमें बोझ लगता था लेकिन अब हमें यही लगता है कि नहीं, ये प्रभु जी ने हमें ड्यूटीज दी हैं, हमें इस योग्य समझा है और हम तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं प्रभु जी हमसे करवा रहे हैं। तो हम बस प्रभु जी को ही जो है मध्य रखकर सभी कार्य करते हैं आगे रखकर, और प्रभु जी से यही मांगते हैं प्रभु जी आप ही करवाने वाले हो, हम तो कुछ भी नहीं है। तो बस हम हर जो है हमें हरी कृपा और हरी इच्छा में रहना चाहिए, ये भी हमें सत्संग के द्वारा ही समझ आया है। और आगे अब 2022 में मुझे यही प्रभु जी से मांगना है कि प्रभु जी मुझे आपकी और भक्ति मिले और भी मैं रेगुलर सत्संग जो भी दूसरे सत्संग भी हैं वो भी अटेंड कर सकूं, क्योंकि कई बार काम की वजह से और कई बार वैसे ही दिमाग से स्पीक हो जाते हैं, स्किप तो नहीं पता चलता है। तो बस प्रभु जी से मेरी यही प्रेयर रहती है कि प्रभु जी प्लीज अगर मुझे नहीं याद रहे आप याद दिला दिया करो, तो यही मांगते हैं। बाकी सत्संग के साथ जुड़ने से हमें बहुत कुछ पता लगा है, हमारे घर में जो व्यवहार सबके सबके साथ था वो भी उसमें भी थोड़ा फर्क आना शुरू हो गया है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया है कहाँ हम गलत हैं। आगे बच्चे हमें बताते थे तब भी हम नहीं मानते थे, अपने ईगो में रहते थे, लेकिन अब हमें काफी मतलब इसका जो है पता चल रहा है कि हमें किस प्रकार अपने जो है घर में रहकर प्रभु जी का नाम सिमरन कर और सत्संग, ये सत्संग के द्वारा ही हुआ है, रेगुलर सत्संग लगाते रहेंगे तभी हमें जो है नई नई बातें सीखने को मिलेंगी और हमें उसे अपनी लाइफ में भी जो है लेकर आना है। तो हमें यही चाहिए कि हम सत्संग साधना सेवा और सदाचार का जीवन प्रभु जी हमें दे और हम सदा ऐसे ही खुश रहें और हमें बस ये जो सत्संग है रेगुलर ही मिलता रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रूपाली जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आपकी नववर्ष की, आपको पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर की भक्ति का जोश आपका बढ़ता जाए। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, हरी हरी बोल। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, सोनिया शर्मा जी हैं अमृतसर से, हरी हरी बोल सोनिया जी। सोनिया जी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर, हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन, मैं सोनिया शर्मा फ्रॉम अमृतसर। हाँ जी जी फ्रेंड्स, मैं गोलोक धाम एक्सप्रेस से 2021 में अपनी फ्रेंड रूपाली शर्मा जी के माध्यम से जुड़ी थी। तो जब मैं गोलोक धाम एक्सप्रेस से जब मेरे को पता चला सत्संग का, जब मेरी फ्रेंड ने मेरे को ज्वाइन करवाया, तब की मैं अपनी हालत बताऊं तो मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। मेरा इतना मन मतलब रिश्ते नातों से इतना चूक गया था कि मैं हर वक्त अपने आप को कोसती रहती, मन में बस अकेले बैठना तो रोना शुरू कर देना। तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, कृष्णा जी ने मेरे को पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या डाला, हम अपने गुरु के ओर जा रहे थे तो मैं रास्ते में अपनी फ्रेंड से मिलने गई रूपाली से। मैंने रूपाली से सारा शेयर किया जो मेरा उस टाइम का माहौल था, तो मैंने सारा शेयर किया तो रूपाली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही मतलब अच्छे अंदाज से मेरे को बताया कि तू मतलब ऐसे घबरा मत, ऐसे मैं तेरे को सत्संग ज्वाइन करवाऊंगी, वो हमारे जो हमारे अंदर की क्वेश्चनिंग होती है उससे हमारी आंसरिंग होती है, तो उसमें भगवद गीता का ज्ञान मिलेगा तो तेरे को बहुत ही शांति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, तो मेरे को एक दो बार सुना मेरे को कुछ समझ नहीं आया खास, पर मैंने नीलू दीदी को बड़े ध्यान से सुना तो उनके समझाने का ढंग, ज्योति दी का
बहुत ही अच्छा था। दो चार बातें मैंने अपनी भी शेयर की, उनकी भी सुनी, तो मैं इतना सीरियस नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे मैंने मतलब आगे, मेरी फ्रेंड ने मेरे को ज्यादा से ज्यादा बोला कि तू सत्संग क्यों नहीं अटेंड कर रही। मैं सही में बात बोलूं तो मेरे को रूपाली जी ने बहुत सपोर्ट किया है। आज जो मेरी 1 ईयर की जर्नी हुई है ना, तो मैं क्या कहूँ कि नीलू दी, ज्योति दी और रूपाली जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो जैसे होता है कि हमारा अच्छा टाइम आना होता है तो हमें भगवान जी ना वो माध्यम बना देते हैं हमको। तो जैसे रूपाली जी माध्यम बने, उसके बाद ज्योति जी ने सपोर्ट किया, नीलू दी ने सपोर्ट किया, तो मैं धीरे धीरे मेरा मन सत्संग में लगना शुरू हो गया। सत्संग में लगने के बाद मेरे बहुत ही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। और मैं फ्रेंड्स ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने सत्संग ज्वाइन किया तो मेरे साथ ही डिवाइन एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए। सत्संग में जनवरी में लास्ट बहुत सीरियस हुई थी, तो जब मैंने सत्संग अटेंड करना शुरू किया तो मेरे घर में लड्डू गोपाल जी 16 जनवरी को आए। नीलू दी से सुनना भोग लगाना, कैसे भोग लगाते थे पर भाव नहीं थे हमारे अंदर। तो मैंने जब सत्संग में अटेंड करना, भोग लगाना, मेरे को ना कृष्णा जी से प्यार हो गया। और इतना मतलब प्यार हो गया कि अब मैं सच कहूँ ना तो मेरे मुंह में सिर्फ कृष्णा जी का नाम रहता है, राधा जी का नाम रहता है। मैं सबको भूल चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब मेरे अंदर बस यही पॉजिटिविटी रहती है कि मेरे पास सत्संग है, मेरे पास कृष्णा जी हैं। तो मैं इतनी चेंज हो गई हूँ ना कि मेरे खुद के मम्मी पापा मेरे को बोलते हैं कि तेरे को क्या हो गया है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरे को जीना जीवन जीवन जीना आ गया है। अब पहले मैं भटकती थी, खुशी को ढूंढती रहती थी, एक चीज मिल जानी दूसरी चीज की इच्छा कर लेनी, तीसरी चीज मिल जानी चौथी की, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं खुश नहीं रहती थी। सब कुछ है मेरे पास, भगवान जी ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं, हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट सर्विस में है, पुलिस में है, सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे अंदर जो इंटरनल हैप्पीनेस थी वो नहीं थी। वो मेरे को कहाँ मिली? गोलकधाम एक्सप्रेस जुड़ने के बाद, जब मैंने भगवत गीता का ज्ञान लिया, जब मेरे को सब रिश्तों की समझ आई, जीवन शैली की समझ आई कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे कैसे हमने जब सत्संग से जुड़ी 4 स्तंभ मेरे को समझ आए कि 4 पिलर्स कैसे होते हैं हमारे जीवन के लिए। तो ऐसे ऐसे मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कम होनी शुरू हो गई। तो मैं बहुत ही ब्लेस फील करती हूँ कि मेरे को कृष्णा जी ने इतना ब्लेस किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जैसे जैसे मेरे डिवाइन एक्सपीरियंस, लड्डू गोपाल जी आए, राधा रानी मेरे घर में आई, मेरा घर का माहौल ही वृंदावन जैसा बना हुआ है। मैं सच में बता रही हूँ आपको, मेरे बच्चे भी बहुत खूब सेवा करते हैं। तो उसके बाद मैं वृंदावन गई। वृंदावन जाने के बाद मेरे को और कृष्णा जी से अटैचमेंट हो गई। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मैं बरसाना गई, बरसाना जाके मैंने मंगला आरती अटेंड की। तो मेरे को पता चला कि यदि हम भगवान जी से प्यार करते हैं ना तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। ये हमारे अंदर की कमी थी कि हमने कभी भगवान जी को जानने की कोशिश ही नहीं की थी। हम बस उनको एक जिन की तरह यूज करते थे कि बस इच्छाएं डिजायर्स पूरी करवा ली और बस हो गई भक्ति। तो भक्ति का मीनिंग समझ आया। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2021 में मैंने भजन की पॉडकास्ट भी बनाई है और मैंने नीलू दी को भेजी थी मैंने, तो मैं आशा करती हूँ कि शायद वो मेरी सिलेक्ट हो जाए। अब मैं 2022 में स्पिरिचुअल जर्नी की भी पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। तो मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए सब प्रेयर्स करना कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूँ। और जो मेरा इस साल का जो है कि मैं जो संकल्प करना चाहती हूँ, जो मेरा रेगुलेशन है, यही है कि मैं रेगुलरिटी के साथ सत्संग अटेंड करूँ। मेरा सत्संग मिस हो जाता है तो मेरे को बहुत ही गिल्ट फील होता रहता है सारा दिन। वो कृष्णा जी जानते हैं मेरे भाव सारे, और पता नहीं क्यों कुछ माया का अटैक ले लो चाहे कुछ भी है, अभी थोड़ी गड़बड़ होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें मेरे अंदर से निकल जाए। मैं सिर्फ सत्संग अटेंड करूँ और ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करूँ। सुबह के होते हैं जो निखिल जी करवाते हैं, तो मेरे को मतलब ज्यादा सुनना अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सत्संग करूँ और सेवा साधना और सदाचार को अपने को ज्यादा से ज्यादा बेस्ट बनाऊं। और मैं भी वीडियो कॉल से अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी की पॉडकास्ट बना सकूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं और सबको सबके लिए मोटिवेशनल बनूं कि कैसे हमने जीवन जीना है। जैसे हम भटकते फिर रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, तो हमने ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि ये जीवन जो है हमने
अपनी जो भगवत गीता को आगे रखकर जीना है। और निखिल जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस जो प्लेटफॉर्म जो बनाया है, इतने मतलब बिखरे हुए मोतियों को आपने एक एक माला में पिरो दिया है। और ये हमारा जो सत्संग है इसमें बड़े अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं, उनको सुनकर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है, पॉजिटिविटी रहती है। और जो हमारे मेंटेनर्स है, इतनी इतनी अच्छी स्टोरीज, और अपना जो सेल्फ जो अपनी शेयरिंग करते हैं ना, पर्सनल शेयरिंग करते हैं अपनी स्पिरिचुअल, तो बहुत अच्छा लगता है उनको सुनकर, बहुत हिम्मत मिलती है। तो कि हम भी ऐसे बने, हमारे अंदर से भी ये नेगेटिविटी निकले और माला जाप करूं। मैं अपना ये कहना चाहती हूँ कि इस साल मैं यही भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान जी जैसे सब इतनी इतनी माला करते हैं ना, मैं भी ज्यादा से ज्यादा माला जाप करूं और अपने अंदर मतलब एक ऐसी लेके आऊं स्थिर कि मेरा मन भटके ना, मैं बस ज्यादा से ज्यादा पाठ पूजा और सत्संग को अटेंड करूं और अपने कृष्णा जी को ध्यान करूं। फ्रेंड्स, मैंने 2021 में एकादशी भी रखनी शुरू की और जिससे मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है ना कि हम फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, एकादशी को हम 2-3 फ्रेंड्स भजन गाती हैं, आरती करते हैं और अपनी जो सत्संग की बातें होती है ना वो शेयर करते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बार बार आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ और निखिल जी का स्पेशली कि जिन्होंने हमारी लाइफ को चेंज किया है, हमारी लाइफ में इतना मतलब पॉजिटिविटी लेके आए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू निखिल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल सोनिया जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया कि एक स्टेज पे आप डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहे थे और देखिए भक्ति की शक्ति, अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हो और अब आपके अंदर ये चाहत आ गई है कि आप एक मोटिवेटर बन जाओ और आप बन गए हो और आप बनने वाले हो जल्दी। और पॉडकास्ट भी आपने बना लिया है, वो भी अप्रूव हो जाएगा आई एम श्योर। वीडियो भी आप बनाना चाहते हो, आप धाम यात्रा कर रहे हो, धीरे धीरे डिजायर स्ट्रांग हो जाती है ना जब भगवान से जुड़ने की, फिर सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, कमियां भी दूर हो जाएंगी, जोश भी आ जाएगा, काबिलियत भी आ जाएगी। आपने एक डिजायर की है कि आप सत्संग में रेगुलर रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज सत्संग रेगुलर नहीं रहते हैं ना तो माया में बहुत जल्दी भटकते हैं। वैसे अगर हम सत्संग में आते रहेंगे चाहे लो फेज भी चल रहा हो, बेशक सुनते ही रहो, नहीं भी बोल पाए उस दिन, तो भी आपकी गाड़ी जो है भटकने के चांस बड़े कम हो जाते हैं। भटकोगे भी तो 2-4 दिन में ट्रैक पे आ जाओगे। सत्संग छूट जाते हैं ना तो डिवोटीज ऐसा भटकते हैं, फिर भटकन बहुत ज्यादा हो जाती है। सत्संग जो करता रहता है ना उसकी फिर साधना भी बढ़ती है, फिर दूसरों को देखते हैं सब लोग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जोश पड़ता है, फिर सेवा भी बढ़ती है ना, सदाचार भी इम्प्रूव होता है। तो आप खूब सत्संग भी कर पाओ इस बार, साधना भी आपकी बढ़े, सेवा भी बढ़े इस साल में, सदाचार में आप आगे बढ़ो। देखिये समाज में ऑलमोस्ट हर बंदा डिप्रेस है इस समय, आप लोग नजर उठा के देखिए, इतनी कॉमन हो चुकी है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज, कोई ना कोई मानसिक रोग लगा हुआ है इस समय सबको। ऐसा नहीं कि पैसे और पैसे की कमी है लोगों के पास, लोगों के पास 25-40 लाख की गाड़ियां चला रहे हैं। अगर हम अपनी पुरानी जनरेशन से कंपेयर करें तो रिसोर्सेज बहुत बढ़ चुके हैं। अभी जब हम अपने दादी जी वाला टाइम याद करें आप सब लोग, तो क्या होता था हमारे पास मटेरियल एंगल से? कुछ भी। हमारे घर में काले रंग का फोन होता था बड़ा सा, और पड़ोसियों के पास वो नहीं होता, सारे एक जगह आ जाते थे फोन यूज करने के लिए, ट्रंक कॉल करो उसको, उसको कॉल बुक करवानी पड़ती थी। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, ये अभी 25-30 साल पुरानी बात, ऐसा नहीं हुआ कि सैकड़ों साल हो गए उसको। अब देखिए सहूलियतें कितनी बढ़ गई हैं हम सब की, देखा जाए तो कितनी सहूलियत बढ़ गई है, बट हम खुश होने की जगह डिप्रेस हो गए हैं एज ए होल सोसाइटी, क्योंकि हम भगवान से दूर चले गए हैं बस। अब अगर हम भगवान के नजदीक चले फिर तो हमें अच्छी सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा मिली हुई है अभी पहले के कंपैरिजन में। आप किसको, आपको कौन सा पानी लेके जाना पड़ता है कि 5 किलोमीटर पानी लेने जाओ, मटके रखो सर के ऊपर या फिर चक्की पीसो और उसमें से आटा निकालो, कुछ भी नहीं कर रहे हम ऐसा। वॉशिंग मशीन, सबके घर में मॉडर्न गैजेट्स हैं, सबके घर में ऑलमोस्ट फ्रिजेस लगे हुए हैं, वॉशिंग मशीन है ना, लाइफ आसान हो गई हमारी, बट बिकॉज हम भगवान से दूर हो गए हैं इसलिए हम डिप्रेस हो गए हैं। अगर हम भगवान से जुड़ जाए और फिर इन सुख सुविधाओं के ईश्वर के चरण कमलों की सेवा में लगाएं, फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। तो आप भी एक मोटिवेटर बनेंगे इस साल और बहुत से लोगों को मोटिवेट करेंगे, यही मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर कीप स्माइलिंग सोनिया जी, ऐसे सोनिया ऐसे स्माइलिंग, और कुछ नहीं आना जी आपके चेहरे पे। ओके जी, हरी हरी बोल। हां जी, नेक्स्ट हम चलते हैं शुभलता जी हैं अमृतसर से, हरी हरी बोल शुभ जी। शुभ जी आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो, हरी हरी बोल जी, आवाज आ रही भैया? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, उसी ईयरफोन में भी गड़बड़ थी पहले। हाँ जी आवाज आ रही भैया? अब आ रही है शुभ जी, आ रही है। मैं शुभ लता अमृतसर से,
मैं गोकुल प्रेस से 2021 से जुड़ी हूँ। मेरी फ्रेंड सोनिया शर्मा के माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। निखिल भैया, जब मैं सत्संग से जुड़ी हूँ मुझ में बहुत ही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर इतनी परेशान हो जाती थी कि मेरे को पता नहीं चलता था मैं क्या करूँ। फिर मेरा बेटा वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर मेरा मतलब 24 आवर मेरा उसी की तरफ ही ध्यान लगा रहता था। फिर जब मैंने सत्संग ज्वाइन किया और फिर मैंने माला करनी शुरू कर दी और छोटी छोटी बातों पर मैं डिस्प्रेस हो जाती थी भी क्या करूं, मेरा जो मतलब भी 24 आवर मेरा हरि की तरफ ही ध्यान लगा रहता था, वो क्या कर रहा होगा, क्या कहाँ होगा, क्या कर रहा। बस जब मैं सत्संग से जुड़ी हूँ ना तो मेरे को मतलब कि कृष्णा जी ने ना अपने साथ जोड़ लिया है। मैं कहती हूँ मेरा श्वास श्वास जो है ना कृष्णा जी पर ही लग जाए और मैं माला ही करती रहूँ, बस माला ही करती रहूँ और कृष्णा के साथ जुड़ी रहूँ। मैंने सत्संग से छोटी छोटी बातों निकी निकी छोटी बातों से परेशान हो जाए, मैंने बस यही सत्संग से सीखा साल भर में हरी इच्छा और हरी कृपा, जो भी हो रहा है बस हरी की इच्छा से हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो उनकी ही कृपा है। जैसे हम ऐसे कर पाते हैं। सत्संग ने तो भैया हमें ना जीना सिखा दिया है, बस जीना कैसे है। पहले तो हमने ना ऐसे ही टाइम अपना खराब कर दिया था। बस सत्संग से हमें शांति मिलती है और लोग शांति को ही ढूंढ रहे हैं। जैसे कलयुग चल रहा है बस जो शांति है ना हम उसी को ढूंढ रहे हैं। मैं तो सत्संग मतलब लेकर इतना अच्छा समझ रही हूँ ना, मेरा तो जीना ही कृष्ण जी ने अच्छा कर दिया है, बस कैसे करना है। और मन को शांति सिर्फ सत्संग से ही मिलती है। सत्संग से मैं यही प्रभु से बेनती करूंगी 2022 में भी, प्रभु मेरी आत्मा को इतना शुद्ध कर दो, इतना शुद्ध कर दो कि जो भी मैं करूं कृष्णा जी आपकी कृपा से ही बस मेरा अच्छा होता रहे। और जब भी कोई नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आए तो मैं उसको पॉजिटिवली चेंज करने में लग जाऊं। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा सपोर्ट भी कर रही है और मैं यही 2022 में यही कर रही हूँ कि मैं श्रीमद् भगवद् गीता से जुड़ी रहूँ और मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। मैं भैया आपने जो मॉर्निंग के सत्संग करवाए थे वो भी मैं सभी ले पाई हूँ और मुझे इतना आनंद आया सुबह सुबह जब ना आपने 10 दिन तो सत्संग करवाया है सुबह सुबह और मैंने 5 बजे का अलार्म लगा लेना, एक दो मेरा सत्संग छूट गया तो मेरे को बहुत पछतावा लगना कि मैंने तो ना ऑन किया, मैं तो बीच में से रहेगी। चलो कृष्णा आपकी इच्छा हरी कृपा हरी इच्छा ने मेरे को ना हरी कृपा और हरी इच्छा ने इतना अच्छा शांति दी, इतना मन को तृप्त किया है ना मैं कुछ कह ही नहीं सकती। बस इसी तरह मैं प्रभु से बेनती करूंगी, प्रभु जो भी मेरा श्वास श्वास है ना सभी आप अपने पर जोड़ लो और मेरे को हरी नाम माला दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को ना भैया नीलू दीदी का सत्संग सुनना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या कहूँ। मैं जब उनका सत्संग ना सुनती हूँ मेरे को कुछ ना अंदर पॉजिटिवली नहीं जाती, मैं कहती हूँ मेरा ना दिन नहीं अच्छा आज मैंने सत्संग नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं कृष्णा सुना। बस यही मैं कहकर कह देती हूँ हरी कृपा हरी ईश्वर, प्रभु आपकी जब कृपा होगी तो मैं सत्संग सुनूंगी, यही होगी तो ना सही। बस मेरे को ना आप अपनी तरफ लगाए रखे और जब मैं बोलती हूँ ना मेरे को घबराहट बहुत होती है तो मैं कहती हूँ प्रभु प्लीज ये भी मेरी घबराहट ठीक करो, मेरे को आपने बहुत ही प्यार दिया है इसी तरह ही मेरा प्यार जारी रखो। और मेरे बच्चे भी बहुत कृष्णा जी को मानते हैं, लड्डू जी घर पर हैं, लड्डू जी भी बहुत प्यारे प्यार करती हूँ और लड्डू जी का बर्थडे भी आने वाला है। यही कहती हूँ श्वास श्वास प्रभु जी अपना नाम जपाओ और हमें सत्संग के साथ जुड़े रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभलता जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका यही है, बीच बीच में बात करते रहो, बात करते रहोगे 2 मिनट 4 मिनट अपने शेयर करते रहा करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। भगवान के भगवान के सत्संग में बहुत रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। आपकी ना कॉल को म्यूट करेंगे मेरी आवाज जी। सत्संग में रेगुलर रहिए, जैसे आप करने की कोशिश कर रहे हो डिजायर स्ट्रांग रखो। फिर क्या होता है कि जब सत्संग की खुराक लेते रहेंगे ना ऐसा हो ही नहीं सकता आप डिप्रेशन में जाओगे। खुद डिप्रेशन में क्यों जा रहा है समाज, क्योंकि हम ना फालतू में अपनी लाइफ के बारे में सोच सोच के जैसे गाय जुगाली करती है ना, हम सब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सोचते हैं क्योंकि हमारे सोचने का होता ही नहीं है।
हम यही सोचते रहते हैं ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। वो जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो फिर भगवान के बारे में सोच आती है, अच्छा भगवान ऐसा होता है भगवान, तो भगवान की जब बातें घूमना शुरू हो जाएंगी, हरि नाम चलना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी दूर होगा, एंजाइटी भी दूर होगी, खुश भी रहोगे, है ना। और साथ साथ में जो अंदर का खोखलापन होता है समाज में इंसान का ना, वो खत्म हो जाता है, और आगे आप भी जोश से आगे बढ़ो, दूसरों के लिए मोटिवेशन बनो। यही मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। हरी हरी बोल जी, हैप्पी न्यू ईयर, हरी हरी बोल, थैंक यू केलू जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं दीनानगर अंजलि महाजन जी के पास। हरी हरी बोल अंजलि जी। अंजलि जी हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले निखिल भैया हैप्पी न्यू ईयर। आपने ना अंजलि जी वो फोन टेढ़ा किया हुआ ना, रोटेशन उसकी कर लो, नहीं तो आपका पूरा स्क्रीन रेडी आ रही है। एक मिनट, मतलब जो आपने एक सेटिंग की थी वो ठीक थी, रोटेशन ऑन नहीं है आपकी फोन की ना, तो आप बिल्कुल टेढ़े दिख रहे हो आप। पता नहीं भैया, अभी तो ठीक थी। ऊपर आप ना फोन को वो करिए, सबसे ऊपर रोटेशन होती है ना, स्क्रीन रोटेशन, रोटेशन को ऑटो रोटेट कर दीजिए, फिर जैसे आपने फोन रखा था फिर ठीक हो जाएगी। एक मिनट भैया, एक मिनट। कोई बात नहीं, हम एक डिवोटी को सुन लेते हैं। और वो आज ना आपका बिल्कुल ही टेढ़ा लग रहा था, तो आप एक बार ट्राई करिए, ऑटो रोटेट पे करिए उसको, फिर जैसे आपने पहले फोन रखा था वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरी बोल नीलू जी। हाँ जी, हरी हरी बोल। हमारे साथ किरण जी हैं अमृतसर से। हरी हरी बोल किरण जी। किरण जी हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर निखिल भैया। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल एवरीवन। हाँ जी निखिल भैया, मैं किरण अरोड़ा फ्रॉम अमृतसर। मैं 2021 में जुड़ी हूँ गोलोक धाम से। मैं बहुत परेशान थी अपनी मैरिड लाइफ से, तो तभी मेरे पापा भी ऐसे एक्सपायर हो गए। मैं बड़ी लो फेस में जा रही थी। मेरी बात मेरी फ्रेंड सोनिया शर्मा जी से हुई, तो उन्होंने उनको पता था कि मैं भगवान से प्यार तो करती थी लेकिन वो भाव नहीं थे मेरे मन में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप सत्संग ज्वाइन करो, और उन्होंने मेरे को 2001 में करवाया। जब मैंने किया ये सत्संग ज्वाइन किया, 16वें अध्याय चल रहा था गीता जी का, और जब जब मैंने सुना तो मेरे इतनी चेंजिंग आ गई भैया, क्या बताऊं मैं आपको, कि कैसा खाना हमारा होना चाहिए, कैसा दान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पहले तो जो मैं बहुत लो फेस में जा रही थी, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को जीना कैसे है, रहना कैसे है। मैं कहती थी कि पापा के जाने के बाद मेरा मॉरल सपोर्ट ही चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं है रह गया लाइफ में। लेकिन जब मैं सत्संग से जुड़ी ना, तो मेरे को मतलब इतना थोड़ा सा आने लगा कि भगवान जी तो है। जैसे जैसे मेरे मन में जो क्वेश्चनिंग होती थी ना, जब भी जो नीलू जी का सत्संग होता था, ज्योति जी इतनी अच्छे से समझाते थे कि मेरी क्वेश्चनिंग का आंसर होने लगा। जो मेरे मन में प्रॉब्लम्स थी कि मुझे मेरे को ये दुख क्यों आ रहा है, मेरे को ये चीजें क्यों हो रही हैं, कि जो हम कर्म किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना, हमारे जो कर्म के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा जीने शुरू किया। फिर मैंने कृष्णा जी का इतना भाव आने लगा कि मेरे पास थे ठाकुर जी, फिर मैंने उनकी सेवा करनी जो पहले वैसे होती थी फिर भाव से करनी शुरू की, उनको भोग लगाना, आरती करनी। फिर मेरे को उसने ये माला मतलब जब से पहनाई, मतलब हर एक वो चीज जो भगवान से जोड़ती थी वो होनी शुरू हुई, और इतने इतने अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे कि मेरे में वो कॉन्फिडेंस आने लगा। पापा के जाने का दुख तो था लेकिन कम होने लगा, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी थोड़ी कम होने लगी। तो इतने अच्छे उन्होंने, ठीक है ये अभी उन्होंने सोनिया जी ने भी ये बोला कि अगर हम भगवान जी से प्यार करते हैं ना तो भगवान जी भी हमें प्यार करते हैं, वो चीजें मुझे दिखने लगी। उन्होंने मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं मथुरा वृंदावन में चली जाऊंगी, 3 बार उन्होंने बुलाया, मैं एक दिन में चली गई वहां पे, और इतने अच्छे मुझे वहां पे जाके दर्शन हुए, मन ही राधे राधे करने लगा। उसमें मेरी
स्पिरिचुअल भक्ति में इतना मतलब चेंज आया कि जैसे अब मैं खाना बनाती हूँ, जब उनका नाम लेती हूँ, अब मैं कोई ड्राइव भी कर रही हूँ ना, अपने वर्क प्लेस पे भी हूँ, जैसे अभी भी बैठी हुई हूँ, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम, मतलब वो माला चलती रहती है, मेरे मन में चलती रहती है, मैं बोलती नहीं हूँ अगर मेरे मन में चलती रहे। अब मैंने जैसे 22 में मैंने माला करनी शुरू की, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं माला भी पकड़ूंगी, और माला पकड़नी तो उसका मैंने माला करनी शुरू की। जैसे मन परेशान होता है तो जैसे जैसे हमारे सत्संग में आपने बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना निखिल भैया, उसका आंसर सेम डे सेम मतलब इस चीज में मुझे मिल जाता है। जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो कहते कि भगवान जी का नाम लो, फिर मैंने माला करनी शुरू की, उनका भोग लगाना शुरू किया, आरती करनी शुरू की, तो जैसे मेरे पास पहले भी इन चीजों के लिए मुझे होता था, बड़ी तृप्ति मिलती थी सत्संग सुनने पे, लेकिन मैं अपने वर्क प्लेस पे घर के काम मतलब कि ऐसे फ्री नहीं हो पाती थी कि जाके वहां पे बैठूं और टाइम निकाल के मतलब करना। लेकिन अब जैसे आपने इतना अच्छा किया कि अभी मैं अपने काम के साथ साथ अपने ये भी सत्संग भी सुन रही हूँ और नाम भी ले रही हूँ अपने भगवान जी का। और कल ही मैं आपको बताऊं कि मेरे क्लाइंट आया, वो बड़ी देर बाद मिली मेरे को, कहती कि जब भी मैंने आपको लास्ट देखा ना, आप बड़े टूटे हुए थे, आप बड़े मतलब आप में है ही नहीं कॉन्फिडेंस कि आप बात करते थे रोज, लेकिन अब आप में चेंज आ गया, क्या हुआ है ऐसा? फिर मैंने उसको बताया कि मेरे को मैं ऐसे जब मैं सत्संग से जब से मैं जुड़ी हुई हूँ ना, तो मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा वो जी, मैं अब कहती हूँ सिर्फ भगवान जी है, जब अब मेरे सिर्फ कृष्णा है। अब कृष्णा जी आपने ऐसा किया, ज्योति जी ने थोड़े दिन पहले भी मुझे ये चीज मतलब सत्संग में बताई, अच्छा आपने आपकी मर्जी से हुआ है, आप ये चाहते हो, अब मैं भी वैसे भगवान जी से पूछने लगती हूँ, अच्छा आप ये चाहते हो, मतलब ये बड़ी अटैचमेंट सी होगी उनसे ठाकुर जी से। और ये सत्संग ने तो मेरी लाइफ ही बहुत चेंज कर दी, जो मतलब मैं इतनी नेगेटिविटी हर काम में थी ना, अब उसको मैं पॉजिटिविटी में लेती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि ये मेरा काम, अब पहले सिर्फ मांगना है ये कर दो वो कर दो, अब तो मैंने उनके ऊपर ही डोरी छोड़ दी है। अब आपने मतलब जब से मैं क्यों मतलब ये करना चली है, पहले मेरे रिलेटिव के साथ मैं बात करती थी तो बस ये हो गया वो हो गया, अब तो मुझे मन भी नहीं करता कि उनके साथ मैं इतनी कोई लंबी बात करूं या ये करूं, बस ये होता है कि माला पकड़ लूं, भगवान जी का नाम ले लूं। और आप मानोगे कि मैं उनका बस जब सामने जाती हूँ ना, तो भजन अपने आप जो मैंने कभी बोले नहीं, बहुत कम बोलते थे, मतलब बोलना शुरू कर देती हूँ, करना शुरू नाचना शुरू, उनसे बातें करनी शुरू कर दी है, मतलब बहुत अटैचमेंट हुई है काफी लाइफ में मैंने, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि काफी मेरा चेंज हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे बोल जी। हरे हरे बोल, आपको देख के सुन के बहुत अच्छा लगा किरण जी, बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं ईश्वर की कृपा से। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई 6 महीने साल सत्संग सुनता रहे तो उसकी नेगेटिविटी में कुछ प्रतिशत में फर्क ना पड़े। देखो है तो हम इंसान, फिर कई बार आ जाएगा माया का अटैक, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है, लेकिन अगर सत्संग में होंगे तो काफी हद तक हमारी नेगेटिविटी कम हो जाती है, डिपेंडिंग किसने कितने साल लगा लिया। अब जो लोग 5 साल से चल रहे हैं उनका ऑफकोर्स उनका पॉजिटिविटी का लेवल डिफरेंट है, जो 6 महीने से चल रहे हैं उनका पॉजिटिविटी लेवल डिफरेंट है, बट भगवान का तरीका होता है ना हमें वो समझाने का कि जहां तुम सुख खोज रहे हो बेटा कर लो कोशिश, फिर हर जगह से दुख मिलता है हम सबको, हताश हो जाते हैं हम, और तब जब हम भगवान के रास्ते में चलते हैं एकदम फिर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। देन वी गेट द आंसर कि हाँ अल्टीमेटली खुशी कहाँ है, भगवान के रास्ते में ही है। देखिए मेरे साथ भी यही हुआ ना, मैं ऑस्ट्रेलिया आया, एक्सीडेंट हुआ, हड्डियां टूट गई, डिप्रेशन हो गई, फिर लगा कि खुशी क्यों नहीं मिल रही है, सब कुछ तो पाना चाहता हूं मैं, होता नहीं है, फिर क्वेश्चन उठते हैं, अदरवाइज तो इंसान अपने दुनियादारी के जीवन में खोया ही रहता। अगर सब कुछ नॉर्मल आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता रहेगा ना, तो इंसान भगवान को भी याद ही नहीं करेगा, वो खो जाएगा अपनी दुनिया में और खो जाएगा वो। लेकिन आप बढ़ रहे हो डिवोशन में, आप ये बहुत विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है और ऐसे ही आपने आगे चलना है, और सबके लिए मोटिवेशन बनी है, आप खुद भी खुश रहिए और आसपास खुशियां बांटिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर किरण जी, हरी हरी बोल, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर निखिल भैया, हरी हरी बोल जी, थैंक यू, हरी हरी बोल जी। अब चलते हैं अंजलि जी के पास, हरी बोल अंजलि जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले निखिल भैया आपको और सारे डिवोटीज को नए साल की शुभकामनाएं।
तो भैया मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 2019 में अपनी कजन नीलू जी के माध्यम से जुड़ी थी। तो मैं भैया आपके सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम घर बैठे इतनी प्यारी जो भगवद गीता की लर्निंग सीख पा रहे हैं और उसको परसेंटेज में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद हमें अपनी लाइफ का जो मेन गोल है, एट लास्ट हम चाहे इतना कुछ नहीं कर पा रहे फिर भी हमें इस चीज की थ्योरी में तो नॉलेज हो गई है कि हमारे जीवन का मेन गोल क्या है। क्योंकि पहले तो हम यही समझते थे कि पढ़ लिया, शादी हो गई, बच्चों को अच्छा कैरियर देना है और एंजॉयमेंट कर लिया, बस यही लाइफ का मकसद है। पर जो रियल लाइफ का मकसद है कि भगवान को प्राप्त करना, कि मनुष्य जीवन का मेन गोल क्या है, वो हमें गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के पता चला है। और जैसे भैया कि मैं, जैसे नीलू जी मेरे को यही बोलते कि तू बैक बेंचर है, तो मैं हूँ भी बैक बेंचर ही हूँ। मैं जो हर घर मंदिर हर मन मंदिर के मैं इतनी आहुतियां नहीं दे पाई और इस चीज पे मैं शेम भी फील करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ करना, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाती। मैं कृष्णा जी से प्रेयर भी करती हूँ कि प्रभु मेरे को शक्ति दो, मैं करना चाहती हूँ, पर आप कुछ भी समझ लो, या मेरा आलस है या मैं कुछ अपनी ड्यूटीज में, घर की ड्यूटीज में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाती। जैसे 2019 और 20 में भैया मेरा जैसे सत्संग का ग्राफ था जो तकरीबन 95% रहा है, मैंने रेगुलर सुना है क्योंकि भगवत गीता सुनने में मेरे को बड़ा आनंद मिलता है और बड़ी गाइडेंस मिलती है, और अब भी जब भी सुनती हूँ तो मन करता है बस सुनते जाएं सुनते जाएं। और 2000 जब मैं 2019 में जब हम सुनते थे भगवत गीता की, जो डिवोटीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, इतनी इतनी माला करते हैं, तो मेरे को बड़ा लगता था कि वो कैसे कर पाते हैं, कैसे कर लेते हैं। पर जैसे भैया आप और नीलू जी बोलते थे कि आपने ज्यादा नहीं सोचना, अपना दिमाग नहीं लगाना, बस आप रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहो, चलते रहो, आपको खुद ये चेंजेस फील होंगे। तो मैंने ये खुद देखा है कि जैसे 21 में मेरे सत्संग छूटे हैं कि मेरी 2 रीडिंग्स नीलू जी के साथ हुई है, फर्स्ट 2 रीडिंग्स, 1 रीडिंग आपके साथ हुई थी, उसके बाद भी मैं, अगर मेरा मॉर्निंग का या बीच वाला कोई मिस होता तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कोई ना कोई सत्संग जरूर अटेंड करूं। क्योंकि मैंने देखा है अगर हमारे सत्संग छूटते हैं तो हमारा नेगेटिविटी का जो ग्राफ है बढ़ता है, हम डाउन फेज में भी जाते हैं। तो 2021 में मेरा यही होता था कि अगर मेरे सत्संग छूट रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि मैं 2020 में अपनी बेटी के कैरियर को लेके काफी, मतलब कि कॉन्शियस थी कि इसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मतलब कि इस चीज को लेके मैं काफी मतलब कि सीरियस थी, इस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस किया जिससे मेरी डाउन भी गया सत्संग। पर जैसे आप बोलते थे कि किसी ना किसी एक पिलर को आप पकड़ो, तो मैंने चैंटिंग पे ज्यादा वर्क किया, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड वे पे। और जैसे मैं 2019 में मैंने 8 माला से शुरू किया था, तो 2021 में मैंने 16 माला का कोशिश की कि मैं इसको कर पाऊं, और मैं काफी हद तक कर भी पाई। पर भैया मैं जो माला पे है वो ज्यादा, जैसे 1 या 2 ही कर पाती हूँ, बाकी जो स्पिरिचुअल हब पे जो टेली काउंटर्स है उसको ही मैं ज्यादा यूज करती हूँ। जैसे ट्रेवलिंग में यूज कर लिया, कहीं भी आते जाते उस कोशिश होती थी कि मेरी 16 तो हो जाए, बाकी जो हरी इच्छा जो भगवान की मर्जी होती थी। और जैसे आपने कार्तिक मास का हमें बताया, मैं भैया मैं सच में बोलती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ हाँ मैंने तुलसी के ऊपर दिया जो वो तो मैं वैसे पूरा साल ही, काफी सालों से मतलब कि दिया हम जलाते हैं सुबह शाम को, वही कर पाई, या दिया जो लास्ट दिन को हम उसका परवाह करते हैं, ज्यादा मैं नहीं कर पाई। और मेरे को इस चीज के लिए मैंने बड़ा भगवान से ये भी किया कि मेरे इतने कार्मिक अकाउंट शायद नहीं थे कि मैं इतना कुछ नहीं कर पाई। और जो सबसे बढ़िया जो मैंने ये सीखा जो भगवत गीता से, कि अब लाइफ की कोई भी सिचुएशन आती है जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने बस भगवान के आगे सरेंडर करना सीखा कि प्रभु आगे मैं अपने ब्रदर, मेरा बड़ा क्लोज था सिस्टर्स के साथ, मैं बड़ी क्लोज वाली थी कि कोई भी बात जो हस्बैंड के साथ हम शेयर करते ही हैं,
जब हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती तो हम अपने क्लोज वन से शेयर करते हैं, पर मैं अब उनसे भी कम शेयर करती हूँ और अब कोशिश होती है कि प्रभु के आगे ही सरेंडर करें, प्रभु से ही गाइडेंस लेती हूँ कि प्रभु आप ही बताओ, क्योंकि आपसे बेस्ट गाइड हमारा कोई भी नहीं हो सकता और आपसे बढ़िया हमारा कोई गुरु भी नहीं हो सकता। और भैया मेरे मन में बड़ी एक इच्छा थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो वैसे तो मतलब कि उनका भक्ति में बड़ा विश्वास है, भगवान को मानते हैं, रूटीन में जो अपनी जो जगाना वगैरह सब कुछ करते हैं, पर उन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ था। तो मेरे को ये था कि मेरे हस्बैंड ले, तो वो यही बोलते थे कि भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो इतना ज्यादा मतलब कि गुरु नाम दीक्षा में इतना विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे कि प्रभु से ऊपर कुछ नहीं है। पर जैसे भैया जब से मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, उनको उन्होंने भगवत गीता भी सुनी, चाहे गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के भी थोड़ी बहुत सुनी, अपने खुद वो शॉप पे बैठे फ्री, स्पेशली लॉकडाउन में उन्होंने भगवत गीता एक दो बार पूरी सुनी यूट्यूब पे, और वो भी चैंटिंग करते, तो मेरे को लगता है कि चलो मेरे बड़े देर से मन की इच्छा थी, मैं उनको बोलती हूँ चलो आपने नहीं कृष्णा को ही अपना गुरु बनाया, वो आपको बड़ा मानते हैं, और चैंटिंग डेली उनकी, चाहे वो रात को 11 बज जाए 12 बज जाए, उन्होंने स्पिरिचुअल हब पे वो चैंटिंग करते हैं, तो ये मेरे को बात बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे आगे हम नेगेटिव सिचुएशन आती थी तो बड़ा डाउन चले जाते थे, पर अब ये चीज थोड़ी सी समझ आई है कि जैसे हम लोग ऐसे तो इतनी मोह माया को छोड़ते नहीं है, तो भगवान हमें ये पिंचेस देते हैं, तो ऐसे तो इन चीजों को छोड़ेगा नहीं, इतनी मोह माया नहीं छोड़ेगा, यहाँ से तेरे को पिंचेस मिलेंगे तभी तुम इन चीजों से पीछे हटोगे, थोड़ी मोह माया से हटोगे। तो अब ये हो गया कि अगर कुछ किसी के साथ आर्गुमेंट्स अपने क्लोज वन कोई डियर वंस के साथ हो गए हैं, तो फिर मेरे को यही लगता है कि भगवान मेरे को इसी बहाने से थोड़ा पीछे पीछे कर रहे हैं, मैं तो ऐसे इन चीजों को छोड़ती नहीं हूँ। और सच में, और अब कोई भी सिचुएशन आती है भैया कि या हमें टीवी में जैसे अनुरुद्धाचार्य के वो चैनल्स जो सत्संग के आते हैं, या किसी डिवोटी के थ्रू, या आपकी कोई कुछ, आप उस दिन पता नहीं कैसे आप उस चीज के अकॉर्डिंग वो आप व्यूज दे देते हो, कि सारी गाइडेंस मिलती है कि भगवान कैसे हमें हर वक्त गाइड कर रहे हैं। सच में भैया जो भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखा रही है कि हमने सच में रियल मीनिंग में लाइफ को कैसे नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशंस में कैसे स्टेबल करना है। डाउन तो अब भी जाते हैं, पर परसेंटेज में काफी ग्राफ उसका डाउन हुआ है। और सबसे बड़ी बात भैया, कई बार कुछ सिचुएशंस रहती ऐसी आती है हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो मेरा बेटा अभी 15 इयर्स का है, तो एक दिन कुछ ऐसी बात हुई तो मैं कुछ उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैं अनस्टेबल थी। तो मेरे बेटे ने बड़े भोले से ढंग से, मम्मा शायद कृष्णा को यही मंजूर था, कृष्णा ही नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो मैं एकदम उसका मुंह देखने लगी कि जो चीजें हम अभी तक नहीं इन चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे, तो बच्चे कितने वो आराम से चीजों को मतलब कि हमें गाइड कर रहे हैं। अदरवाइज वो इतना नोटी है, अगर मैं सेशन भी कर रही हूँ ना, मेरे से जबरदस्ती फोन खींचेगा, मम्मा मेरे को कुछ खाने को बना के दो, मेरे को इरिटेट भी करता है। तो पर वो अब मेरे को बच्चे भी इन चीजों के साथ गाइड करते, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जो चीजें हम 40+ होने के बाद सीख रहे हैं, आपकी वजह से आपके सेशंस के अकॉर्डिंग बच्चे भी इन चीजों को सीख पा रहे हैं। और यही चीजें हैं, एजुकेशन तो हम उनको दे रहे हैं, पर जो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जो सही में हमें लाइफ में स्टेबल सिखाती है, चाहे हमारे पास हर फैसिलिटीज है फिर भी हर सिचुएशंस को कैसे लीड करना है पॉजिटिवली, ये चीजें हमें हमारे शास्त्र ही सिखा रहे हैं और सारे डिवोटी एसोसिएशन के साथ हम सीख पा रहे हैं। और भैया मैं रेजोल्यूशन की बात तो नहीं करूंगी, और भैया मैं आपके साथ एक अपना एक डाउट शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं जब भी कोई बात, जैसे कई बार हम शेयर करते हैं ना कि मैं ऐसा करती हूँ, मैंने ये देखा है जब भी मैं किसी के साथ कुछ शेयर करती हूँ तो वो चीज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, या जैसे हमारे बड़े बोलते थे ना कि हमें ज्यादा अपनी इन चीजों को शेयर नहीं करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि शायद किसी ना किसी तरीके से या नेगेटिविटी कुछ आती है कि मैं इस चीज को नहीं कर पाती। तो आप प्लीज मेरे को इस चीज के लिए भी गाइड कीजिए, और मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि वो मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवा साधना सत्संग दे, क्योंकि सत्संग से जुड़ के ही हम जो पॉजिटिविटी को फील कर पाते हैं
और आगे भी अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और इन चीजों के कारण हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमारे सर्कल्स में भी पॉजिटिविटी आ रही है। और भैया मैं आप सबकी मोटिवेशन से, अपना एक फ्रेंड सर्कल था 3-4 फ्रेंड्स का, हमने खुद ही कोई ना कोई हम मिलजुल के एक दिन डिसाइड कर लेते थे, वो 30 दिसंबर को कम्प्लीट हुआ है। पुनीता जी हमारे सेशन में आए थे तो वो मैं आपकी कृपा से कर पाई, नहीं तो मेरे में इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब नीलू जी ने मेरे को बोला था तो मैंने उनको यही बोला कि आप तो इतना अच्छा करवाते हो, मेरे को तो ना कोई इतनी नॉलेज है और ना ही मैं इतना डीपली करवा सकती हूँ। तो नीलू जी ने बोला कि आप कोशिश करो, जितना जो भी आपको समझ आया है आप करवाओ। तो मैंने उनकी मोटिवेशन के साथ ये किया भी, और वो मेरी फ्रेंड्स मेरे को खुद बोल रही है कि आप एक बार फिर करवाओ। तो मैंने उनको बोला कि आप 12 बजे के जो हमारा ग्रुप है उसमें आओ, तो वो कहती कि नहीं हमने आपके साथ ही करना है। तो अभी तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि वो मेरे को अपनी ज्यादा से ज्यादा सेवा साधना दे, और मैं हर घर मंदिर हर मन मंदिर में अपनी आहुतियां भी दे पाऊँ, और मैं अपनी पॉडकास्ट भी बना सकूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल अंजलि जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा लगा जान के कि बच्चों में और आपके हस्बैंड में भी बड़े पॉजिटिव चेंजेस, डिवोशनल चेंजेस आ रहे हैं, है ना। और ये जो बात है ना, हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं या स्कूलिंग या करियर या एक्स वाई जेड, किसी भी चीज को जब आप टॉप प्रायोरिटी बना लेते हो ना डिवोशन के अलावा, उसी को माया कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम सोच रहे हैं करियर करियर करियर, और हमारे यमराज आ जाए अगले दिन, फिर क्या करोगे उस समय पे? बच्चों के करियर के बारे में सोच के मिलेगा क्या आपको उस समय पे? क्योंकि ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आपने 80 साल जीना है भाई। तो जब भी आप लोग ऐसी बातें सोचते हो ना, अपने आपको ये क्वेश्चन किया करो कि जिस चीजों को हमने इतना इंपॉर्टेंट बना लिया, तभी तो भगवान ने क्या कहा, हमने भीष्म पितामह करण और सबके एग्जाम्पल से क्या बताया था, जब भगवान कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, घबराओ मत। सब धर्मों के प्रत्याग में हमने क्या कहा था, क्या मतलब है वो? किसी भी चीज को जब आप डिवोशन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हो ना, तो वो धर्म बना लेते हो अपना, स्वधर्म। जैसे भीष्म पितामह ने बना दिया धर्म, मेरी प्रतिज्ञा है। करण ने कहा मेरी दोस्ती है, है ना। द्रोणाचार्य ने कहा मेरा बेटा है, वो उसका दोस्त है द्रोणाचार्य, सॉरी उसका दुर्योधन का, है ना। तो लाइफ में कोई भी चीज को इतना इंपॉर्टेंट मत बना लो कि आपकी डिवोशन का ग्राफ ही नीचे चल जाए, राइट। खासकर जब आप एक मन से जुड़े हो जहां आपको सेवाएं भी करनी है, तो अपनी लाइफ को ऐसे ही रखो कि एक डे में या कुछ घंटे आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल अंजलि जी अगर आप एक जॉब कर रहे होते, फुल टाइम जॉब होती है आपकी, हाई प्रोफाइल जॉब होती है आपकी, आपको 2 लाख रुपया पर मंथ मिलता उसमें, तब क्या करते आप उस समय पे? क्या आपके बच्चे की करियर के चक्कर में आप जॉब छोड़ देते, या उस समय पे आप मीटिंग्स लगाते अपनी जॉब के, जॉब से रिलेटेड क्या करते आप उस समय पे? भैया वो तो करनी पड़नी थी, जैसे चाहे जबरदस्ती करनी पड़ती, करनी पड़नी थी। हाँ, उसको आप प्रायोरिटी देते या नहीं देते? देते ना प्रायोरिटी उस समय पे, फिर आपका वही बच्चे होते, वही उनका करियर चल रहा होता, राइट, वो साइड पे हो जाता और जॉब इम्पोर्टेंट हो जाती। इससे क्या पता चलता है, जैसे आपने कहा वो करनी पड़ती है, इससे क्या पता चलता है कि ईश्वर की भक्ति हमें जॉब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है या कम इंपॉर्टेंट लगती है? सबको क्या लगता है इस बात से? हमें जो पैसे कमाने हैं ना, पैसे कमाना वो ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी बात लगती है, जबकि जो ईश्वर का भक्ति का रास्ता है, प्रचार का रास्ता है, ये हमें इतनी बड़ी बात नहीं लगती। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, हम सबके साथ ना। इस चीज को चेंज करना है हमने कि एक्चुअली ईश्वर की सेवा से ऊपर कोई बड़ा काम है नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और ये जब तक हम सबसे सीरियस नहीं होंगे, फिर हमारा ये जन्म मृत्यु कभी खत्म नहीं होगा, आएंगे दोबारा, फिर से आएंगे। ये तो ये आप लोगों को तत्व पकड़ना पड़ेगा कि भाई हमने छुटकारा पाना है इससे, हमने भगवत धाम जाना है, और हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से मोल्ड होना चाहिए कि हमारा एक डिवोशन का एक समय होता है, वो उस समय को नहीं डिस्टर्ब करते रहना है वो, ठीक है, बाकी सब चीजें भी चलती रहेंगी। ये मोह होता है, मोह किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा समय दे रहे हो आप, और अगर आपकी डिवोशन की प्रोग्रेस रुक रही है, स्पिरिचुअल गाइड जो कह रहा है वो कर नहीं पा रहे आप, तो क्या आ रहा है वो, एक मोह आता है वो। तो 2022 में वो जो मोह है आपके अंदर, सबके अंदर, उसका नाश हो, आप टॉप प्रायोरिटी पे डिवोशन को रखें, सत्संग साधना सेवा में आप आगे बढ़ें, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। कंग्रेचुलेशन, आप कह रहे हो कि आपने कुछ फ्रेंड्स को भगवद गीता भी कंप्लीट करवाई है, इसके बाद बैचेस मत स्टार्ट करो, लेकिन
उनको यही इनकरेज करो, सभी लोग एक ही जगह पे रहें। हम नहीं चाहते आप कोई भी डिवोटीज अलग अलग दो दो तीन तीन लोगों को पढ़ाएं। वी वॉन्ट सारे डिवोटीज मेन स्ट्रीम ग्रुप्स में हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर आप संभाल नहीं पाते हो, आप माया में फंसे हुए हो, होगा क्या आप लो फेज में जाओगे, फिर बाकी सारे जो चार लोग हैं आपके साथ लो फेज में जाएंगे, वो ट्रैक हम ट्रैक नहीं कर पाते उनको। जबकि वी ट्रस्ट की हमारे जो मेन ग्रुप्स हैं उसमें सर्वेलेंस है और सीनियर टीम चल रही है, वो डिवोटीज वहीं जुड़े, लॉन्ग टर्म में उनकी भलाई होगी। आपने उनको गाइड किया, ग्रेट, बट अब उनको बात करते रहो उनसे और धीरे धीरे उनको मेन स्ट्रीम ग्रुप्स में लाइए, ठीक है, और ग्रुप के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए अलग अलग तरह से। विश यू ऑल द बेस्ट, आप इस साल पॉडकास्ट भी बना पाओ, वीडियो भी बना पाओ, जो जो आप सेवाएं करना चाहो आप सब कर पाओ। एक पॉइंट आपने पूछा था शेयरिंग करने से कुछ नेगेटिव हो जाता है ऐसा कुछ, ये देखिए यही तो एक इश्यू है ना हम सबके साथ। मैक्सिमम लोग ऐसी बातें सोचते हैं लेकिन रियलिटी क्या है, अगर शेयरिंग करने से कुछ हो ही जाता तो देखिए फिर मुझे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, मेरी तो प्रोग्रेस ही नहीं हो सकती थी, मैंने किया क्या है 12 सालों में। क्या लगता है आपको अंजलि, क्या कर रहा हूँ 12 साल से, शेयरिंग और क्या बता रहा हूँ आपकी मोटिवेशन से सारे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तो मोटिव काम ही ये है कि मेरे को डिप्रेशन थी, ये हुआ, नितिन भैया भी आज तक बता रहे हैं, हम अपने बारे में बता तो रहे हैं आप लोगों को, मैंने ये किया वैसे किया, उसकी इंटेंशन से होता है। अगर इंटेंशन ये होगी कि गड़बड़ हो जाएगी कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, दैट्स डिफरेंट, बट आप किसी को उठाने के लिए अपनी बात बताते हो ताकि उसको मोटिवेशन मिले, इंटेंशन देखते हैं भगवान, राइट। शेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है तभी तो हो रहा है, हमारा तो पूरा मॉडल ही शेयरिंग पे बेस्ड है। अगर आप शेयरिंग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना, तभी तभी तो हम यहाँ कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। तो उसमें घबराया मत करो, वो आप जो चीज नहीं कर पाते हो ना वो आपकी वीक डिजायर है। आपकी डायग्नोसिस क्या है, आप कह रहे हो कि मेरी शेयरिंग करने से शायद मैं नहीं कर पा, नहीं शेयरिंग करने से नहीं, आपकी डिजायर वीक है सेवा करने की, समझ रहे हो आप, डिजायर को स्ट्रांग कीजिए। जब आपकी सेवा करने की डिजायर स्ट्रांग होगी सारी चीजें पीछे हट जाएंगी और आगे बढ़ोगे आप। एंड आई होप एंड प्रे कि आपका इस साल लालच बढ़े, आपको सत्संग साधना सेवा में आप आगे बढ़े। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए एक दीक्षा गुप्ता जी का वीडियो वीडियो प्रश्न जी। दीक्षा गुप्ता जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए नीलू जी नेक्स्ट डिवोटी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे साथ है सुमन महाजन जी ने भी हैंड रेज किया था। हरी हरी बोल सुमन जी, आप बात करना चाहते हो? हरी हरी बोल निखिल जी, सबसे पहले तो मैं प्रवेश की आपको शुभकामनाएं और बढ़िया आपने कृपा की हमारे ऊपर जो हमारा सत्संग ज्वाइन किया। तो मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी कि जब से मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया मेरे अंदर क्या चेंजेस आई हैं। मैं गुरदासपुर से सुमन महाजन, जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव पाया है। कि जैसे पहले मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था कि बिना बात पे क्रोध आ जाना और बिना बात पे बोलना शुरू करना। लेकिन मेरे बच्चे ही मुझे मेरी गलतियां बताते थे कि मम्मा आप यहाँ पे गलत हो। लेकिन जो मेरे अंदर एक कमी थी, एक मैं आप समझिए एक सूक्ष्म में जो अहंकार मेरे अंदर था वो मुझे झुकने नहीं देता कि मैं अपने आप को परफेक्ट समझती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने भगवत गीता ज्वाइन की, उसको समझा, उसको जाना, तो मुझे अपने अंदर कमियां आनी शुरू हो गई। तब से मैंने अपने ऊपर अपनी यहाँ थी थोड़ा थोड़ा मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जो मेरी डिजायर थी बिना बात की, कि इनको पता ही नहीं था कि ये चीजें मेरे मन में क्या मायने रखती हैं, कि मुझे इन्हें लेनी चाहिए खरीदनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं थी उनके ऊपर मैंने काफी कंट्रोल किया और समझा कि नहीं ये लाइफ में ये चीजें कोई मायने रखती है, इतना भगवत नाम रखता है। और भगवत ने गीता से जुड़ने के बाद मैंने अपने अंदर जो चेंजेस पाई, मैंने पहले मैं माला नाम जाप तो करती थी अपने गुरु मंत्र का, लेकिन मैं माला जाप नहीं करती थी। लेकिन धीरे 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 मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं 20 माला मेरी हो रही है सुबह। जब से मैंने 5 बजे का सत्संग ज्वाइन किया, लेकिन पहले मेरी नहीं होती थी, मैं शॉप पे चली जाती थी लेकिन अपनी माला मैं साथ ले जाती थी और वहां बैठे बैठे 2 घंटे मेरी 20 माला हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे जीवन में सबसे एक जो
बड़ा अच्छा अनुभव था कि मेरा वृंदावन जाना। मैं अब तक कभी वृंदावन नहीं गई थी। जब कभी मैं कोशिश करती, मैं कहती अपने हस्बैंड को मैंने जाना, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे जीवन में वो बाधा आ जाती है कि नहीं जाना, घर में आप अकेले हो कैसे चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं इतने हैरान हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दफा भी मना नहीं किया कि नहीं जाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दिन मैंने वृंदावन गई, उस दिन मैंने एकादशी का फास्ट रखना भी शुरू किया। तो तब मैंने वृंदावन में बरसाना की परिक्रमा की और मेरा एकादशी का फास्ट था। ये राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर कि फास्ट रख के और नंगे पांव उन्होंने मेरे से बरसाना की परिक्रमा करवाई। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव डिवाइन समझेंगे मेरे एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में कि मैंने इतना कुछ कैसे कर रही है। मैं यही कि भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे से ये सब करवाया। बाकी मैं 2021 में जुड़ी हूँ, बहुत कुछ मुझे सीखना है, बहुत बारीकियां मुझे सीखनी है इससे कि मैं भगवत गीता पढ़ती तो थी, मेरे पढ़ने तक ही सीमित था कि उसको कभी जाना नहीं था कि इसमें असल में सही निचोड़ क्या है भगवत गीता का। तो मैं इतना ही बताना चाहूँ कि मेरे एक्सपीरियंस है, आगे आगे मैं बहुत कुछ सीखना चाहूंगी इससे कि मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव कर सकूं और अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं। मेरे अंदर यही एक कमी है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो इतनी कृपा भगवान मेरे ऊपर करें कि मेरे अंदर जो मेरी कमी है उनको मैं सुधारने की कोशिश करूं। और बस हरे कृष्ण। नवश की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आप बस चलते रहो। गुस्सा इसलिए होता है, हमारी संसार से अटैचमेंट है ना, संसारिक चीजों से, पर्सन से, किसी पैसे से। जैसे जैसे भगवान से अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, गुस्सा अपने आप काबू आना शुरू हो जाता है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल नीलू जी। हरी हरी बोल निखिल जी। एक डिवोटी को हम सुन लेते हैं, सीमा छाबड़ा जी, उनका नाम मेरे से स्किप हो गया था। सीमा छाबड़ा जी हैं चंबा से। हरी बोल सीमा जी। सीमा जी 6-7 मिनट रखिएगा। हरी हरी बोल जी, हैप्पी न्यू ईयर। हरी बोल। हरी हरी बोल भैया जी। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। और आज तो मैं भगवान की कृपा अपने ऊपर समझती हूँ कि जो है आज आपके साथ सत्संग में मौका मिला, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है। तो जब नीलू दी का मैसेज आया तो मैंने अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील किया कि जो है आज मैं अपने बर्थडे वाले दिन जो है वो सत्संग में भैया से बात करूंगी। चलिए हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हरे कृष्णा टू यू। सीमा जी हैप्पी बर्थडे, मे श्री कृष्णा ब्लेस यू, लॉट ऑफ पीस हैप्पीनेस, अबव ऑल प्योर डिवोशन। भगवान आपको शुद्ध भक्ति से नवाजें। ईश्वर के रास्ते में आप यूं ही आगे बढ़ते रहो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। हैप्पी बर्थडे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया जी। मैं गोलक एक्सप्रेस से, मैं सीमा छाबड़ा चंबा से, गोलक एक्सप्रेस से मैं 2018 में रेणु सहदेव जी के माध्यम से जुड़ी। तो मैं ये बताना चाहूंगी, उससे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो फिजिकल सत्संग होते थे, सत्संग में हम जाते थे कभी कभी संडे को, और उसके बाद उनके माध्यम से फिर जो है वो भगवद गीता की रीडिंग स्टार्ट की। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे 2021 स्टार्टिंग में मैं मतलब फोर माला करती थी, उसके बाद मैंने अपने नाम जाप को बढ़ाया और धीरे धीरे 8 माला, फिर 11, और अब 11 से 16 के बीच में हो जाती हैं। तो मुझे भी यही लगता कि मैं मतलब जैसे कहूँ कि बैक वेंचर्स हूँ कि गोलक एक्सप्रेस के लिए नहीं करती कुछ। तो फिर मुझे सत्संग में जैसे आपने एक बार गाइड किया कि जो माला है, अगर आप सेवा करना चाहती हो माला है, तो वो मैं मतलब अपनी 4 माला जो है वो गोलक एक्सप्रेस को डेलीगेट करती हूँ डेली जो मैं करती हूँ। और जो हम प्रेयर्स करते हैं सभी के लिए, कोई किसी के हेल्थ इशू हैं या वैसे सत्संग में जितनी प्रेयर्स आती हैं, तो मैं उनके लिए डेडिकेट करती हूँ कि जो है उनका फल उनको मिले। और दूसरी चीज कि 2021 में जो कार्तिक मास में मतलब आपसे उनकी कार्तिक मास की महिमा के बारे में जानना, तो बहुत ब्लेस्ड रहे हम कि जो है वो यहाँ चंबा में हम लक्ष्मी नारायण
टेम्पल जाते रहे। बीच में मुझे 2-4 दिन के लिए जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, तो वो मेरा मंदिर मिस हुआ, लेकिन मंदिर जाते रहे। और 16 माला जो है मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं 16 माला करूंगी, प्रभु की कृपा ऐसी रही कि जो है कार्तिक मास में 16 तो करती थी, लेकिन कभी 24, 25। और जो मतलब स्पिरिचुअल हब ऐप है उस पर भी मेरी डेली कभी 20 माला, कभी 16, कभी 10, मतलब ऐसे डेली रूटीन से मैं वो कर पा रही थी। और दामोदर अष्टकम जो है वो दोनों टाइम वो मैं मतलब की सुनती थी, तो बहुत आनंद आता था। और पॉडकास्ट पर भागवतम की कथा भी मैंने उस समय में सुनी है, अभी भी बीच में मैं सुनती हूँ। और जो है वो अब जैसे कि अब चैंटिंग के लिए मैं ये कहूंगी कि पहले मेरे को इतना मतलब मन में वो नहीं होता था कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन अब मैंने अपने जैसे मन को कहते हैं ना कि सत्संग सुनने से अपने मन को हम वश में करें तो हम कर सकते हैं। तो मैं अपना फोकस जो है वो चैंटिंग पे करती हूँ कि फ्री टाइम है तो मैं उसमें अपना माला का जाप करूं। और जो है मैं प्रभु जी से यही प्रेयर करती हूँ कि जो है वो मैं गोलक एक्सप्रेस के लिए सेवा भी कर पाऊं, कि मैं अब और मैंने जैसे 21 में यूट्यूब पे जो है वो कमेंट करती थी, लेकिन फिर बीच में मैंने छोड़ दिए थे। और 2020-22 के लिए मैं यही कहूंगी कि मैं जो है वो इस साल जो है अपने जितने भी वीडियोस हैं उन पर जो गोलक एक्सप्रेस की है उन पर लाइक और कमेंट की सेवा मैं कर सकूं, और अपनी जो है वो मैं माला जाप जो है उसको मैं बढ़ा सकूं। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, तो उससे जो है हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी है वो हमारी दूर हुई है। क्योंकि पहले हम हरी बोल सीमा जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। आई थिंक आपका ना इंटरनेट इश्यू आ गया है, बट विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप जो भी आपने रेजोल्यूशन ली हैं सेवा बढ़ाने की, यूट्यूब पे सेवा करने की, हरी नाम को डेडिकेट करने की, वो भी आप कर सको, इससे ज्यादा ही आप कर पाओगे, ऐसे ही चलते रहिए। आई थिंक नीलू जी का ड्रॉप हो गया इंटरनेट, हम कंक्लूजन की तरफ चल पड़ते हैं। नीलू जी हरी बोल, हरी हरि बोल। नीलू जी आप हैं हमारे साथ? जब हम सत्संग अटेंड कर रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आने चाहिए। और जो है अभी जो मैं कहूंगी मैं उसमें लाइक तो मैं किसी को नहीं। सीमा जी आपकी ना वॉइस ब्रेक हो जाती है बीच में ना। सीमा जी, सीमा जी, अंजलि जी मेरी आवाज आ रही है आपको या मेरी आवाज भी नहीं आ रही आपको? अंजलि जी, पंकज धवन जी, यार योर वॉइस इज कमिंग। ठीक है, चलिए सीमा जी को वो हो रही है, उनका इंटरनेट इश्यू आ गया है कोई। नीलू जी की भी आवाज नहीं आ रही है। हरी हरी बोल सबको, सुन के बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल। निखिल जी नेटवर्क इशू हो गया था आई थिंक इधर, तो अभी मैंने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम सब बहुत आनंद आया आप सबको सुन के। सीमा जी का इंटरनेट इशू है, उनको बेस्ट विशेस। अब हम जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की है उनके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलू जी के लिए और आप सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो, तो मेरी आज की दिन की 16 माला आप सबके लिए डेडिकेटेड रहेगी। आप सब भी कुछ कुछ माला डिवोटीज के लिए डेडिकेट करें, जो स्पेशली इनके लिए प्रेयर्स हैं, कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आपकी साधना भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। हरी हरि बोल। नीलू जी भजन की तरफ चलते हैं। भजन किसका है? हरी
हाँ जी, थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे सबके साथ, हमें मोटिवेट किया और हमने भी सब डिवोटीज के रेजोल्यूशन को जाना। बस इसी तरह भगवान हमारे ऊपर कृपा करते रहे और हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर खूब सारे सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करते रहे। अब हम चलते हैं अपने भजन सेगमेंट की तरफ। अनु महाजन जी हैं चंबा से, हरी हरी बोल अनु जी। हरी बोल अनुमुची। अनुपम जी आपका ना म्यूट करना, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए उसको। हैप्पी न्यू ईयर, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर निखिल भैया, हरी हरी बोल जी। मैंने अपनी लर्निंग भी शेयर करनी थी पर अब टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं भजन ही सुनाती हूँ आपको ना। हरी हरी कोई बात नहीं, आप सुना बोल लो, अगर आपने बोलना है 2-4 मिनट तो बता दो, क्या बताना चाहते हो आप? भजन ही सुनाती हूँ फिर आपको सुनाऊंगी। कोई बात नहीं। हाँ जी। जय जय राधारमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, छोड़ दी मैंने कसमें तेरे नाम की, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम की, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, मैं खिलौना हूँ मालिक तेरे हाथ का, मैं खिलौना हूँ मालिक तेरे हाथ का, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या, है मेरा काम बने बने के नित टूटना, है मेरा काम बने बने के नित टूटना, टूटते को बनाना तेरा काम है, टूटते को बनाना तेरा काम है, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जब किसी ने दिया ना सहारा मुझे, जब किसी ने दिया ना सहारा मुझे, हो के मजबूर मालिक पुकारा तुझे, हो के मजबूर मालिक पुकारा तुझे। है मेरा काम चलना तो मैं चल पड़ा, है मेरा काम चलना तो मैं चल पड़ा, आगे राहें दिखाना तेरा काम है, आगे राहें दिखाना तेरा काम है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच अनु जी, आपने बहुत प्यारा भजन हमें सुनाया। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नीलू जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। आप सबको सुन के बहुत आनंद आया और ऐसे ही हम सब मिलजुल के जोरों शोरों से ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते रहें। क्यों ना सब लोग अनम्यूट कर लें, हरि हरि नाम संकीर्तन से कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।